हेलो बच्चों बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य जे बैच और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जे बैच से जुड़ने के लिए इतना प्यार दिखाने के लिए और जो भी मार्केट में उलझुल बातें कुछ लोग बोलते हैं उनको करारा जवाब देने के लिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेई वाला लक्ष्य जेई बैच ठीक है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेई के बैच में आपका स्वागत है ठीक है क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं नमस्कार 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्वागत 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 बहुत बहुत स्वागत है जी गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, इवनिंग क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं जल्दी से बताइए प्लीज और अगर ऐसा है तो लिखकर भेजिए यस सर ठीक है दिल बनाकर भेजो यस सर लिखकर भेजो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हां सर सारी चीजें एकदम दुरुस्त है हम आगे बढ़ सकते हैं यस नमस्कार 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 बहुत बहुत स्वागत है बेटा आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी लोग आ जाइए जुड़ जाइए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश तो जो लोग मुझे नहीं जानते एक बार मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दू मेरा नाम है सचिन जाखड़ और मैं आई टी जेई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मुझे पढ़ाते हुए दस साल हो चुके हैं और ग्यारहवें साल का आगाज या शुरुआत आज मैं आप सभी लोगों के साथ कर रहा हूं ग्यारहवें साल का मेरा पहला दिन है और आप लोगों का लक्ष्य जेई का पहला दिन है आ जाइए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हेलो 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 हाँ जी नमस्कार 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 कुछ लोग लिख रहे हैं सर ऐप क्रैश <laughs> तो अगर कुछ चीज क्रैश भी हुई है तो वो तुम्हारे प्यार की वजह से ही हुई है यार ठीक है नमस्कार 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 बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है ठीक है लेक्चर नंबर वन डिटरमिनेंट्स नाम का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है सारी बातें करेंगे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एक बार बस आप मुझे ये बताओ कि आपको अभी मेरी ऑडियो और वीडियो एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है कि नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्कार चलिए जी हाँ एक फेवरेट डायलॉग जो आप सभी लोग बोलते रहते हैं हेलो हेलो नजरे लक्ष्य जेई बैच पर बहुत बढ़िया चलिए जी स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिल्मी एंगल हो बट यस एक छोटी सी ओथ लेनी है जी तो जहां जहां पर भी आप हैं अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए मैं भी खड़ा हूं आप भी खड़े हो जाइए प्लीज यस 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 सभी लोग जो जो मुझे सुन पा रहे हैं अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए आई होप आप बैठ के पढ़ रहे होंगे लेट के पढ़ रहे हो तो भी खड़े हो जाओ जमीन पर और जो जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ दोहराइएगा ठीक है हाँ ना? और ये जो बातें आप बोलने वाले हो उसको ता उम्र, ता उम्र मतलब कि जितनी आपकी जेई की जर्नी है उसमें याद रखिएगा प्लीज रेडी रेडी आपको लिख के भेजना यस सर जब मैं पूछू रेडी तो यस सर रेडी 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 बोलो बोलो भाई हो रेडी आप अपने अपनी अपनी सीट पे खड़े होगे। अगर कोई वहां पर ऐसी किसी मतलब कहीं हो सकते हैं लाइब्रेरी से क्लास अटेंड कर रहे हो तो अगर आप तेज नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं मनी मन में दोहराइएगा मेरे साथ साथ स्टार्ट करें चलिए बोलिए प्लीज मैं लक्ष्य जेई का स्टूडेंट मेरे पीछे पीछे दोहराना है आपको मैं लक्ष्य जेई का स्टूडेंट आज अपने आप से मैं लक्ष्य जेई का स्टूडेंट आज अपने आप से ये वादा करता हूं ये वादा करता हूं जेई के लिए जेई के लिए अपनी जान लगा दूंगा मैं लक्ष्य जेई का स्टूडेंट आज अपने आप से यह वादा करता हूं कि जेई के लिए अपनी जान लगा दूंगा पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा मेहनत से नहीं कतराऊंगा मेहनत से नहीं कतराऊंगा मां बाप और गुरुजनों के आशीर्वाद से मां बाप और गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता जाऊंगा मां बाप और गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता जाऊंगा जो होना था सो हो गया जो होना था सो हो गया लेकिन अब जो होना था सो हो गया लेकिन अब मंजिल पर पहुंच के ही दिखाऊंगा लेकिन अब मंजिल पर पहुंच के ही दिखाऊंगा ठीक है तो ये जो आपने ओथ ली है और जो आपने अपने आप से वादा किया है प्लीज डू रिमेंबर दिस ऑलवेज ठीक है बहुत सारे बच्चे यहां पर लिख रहे हैं कि सर हमारी इलेवेंथ वेस्टेड है मैंने पुराने टाइम पर ये ये गलतियां की हैं, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो मैंने अभी बोला कि जो हुआ सो हुआ उसको भूल जाइए अब जो होने वाला है उसमें आप अपना इंप्रूवमेंट अपनी एनर्जी डालिए प्लीज क्लियर है यस सर एक बार सभी लोग यस सर लिखकर भोजेंगे भोजेंगे भैया जल्दी से भेजेंगे ठीक है चलिए जी आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी मच नेसेसरी कि आपके मन में क्लास ट्वेल्थ को लेकर जेई की प्रिपरेशन को लेकर जर्नी को लेकर बहुत सारे डाउट होंगे उन डाउट को उन समस्याओं को उन दुविधाओं को दूर करना भी मेरा काम है तो इसीलिए हम पहले कुछ जनरल बातें करने वाले हैं बैच से रिलेटेड जर्नी से रिलेटेड और कि आपका क्या एटीट्यूड रहना चाहिए कैसे कैसे आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर दैट इज डिटर्मिनेंट ठीक है डिटर्मिनेंट पहला चैप्टर क्यों है डिटर्मिनेंट पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है इसकी भी बात करेंगे जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया लव यू लव यू लव यू बहुत सारा लव यू और इतने प्यार के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद शाबाश आज आपकी पहली क्लास YouTube पर हो रही है घबराइए बिल्कुल भी मत घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपने ऐप पर किसी लिंक पर क्लिक किया होगा अपनी क्लास पे तो आप YouTube पे आ गए। दैट डजेंट मीन कि आपकी ऐप काम नहीं कर रही दैट इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी मतलब मैथ्स की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो वापस से ऐप पर ही होगी यूट्यूब पर नहीं होगी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की पहली पहली क्लास यूट्यूब पर दिखाई जा रही है या फिर यूट्यूब से हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं ठीक है तो ऐप को लेकर वेब को लेकर ज्यादा परेशान ना हो सब एकदम दुरुस्त चल रहा है सही चल रहा है सही है लव यू बेटा लव यू बहुत बहुत लव यू स्टार्ट करें क्या हम ये जनरल बातें स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी आपके मन में डाउट है वो मैं लिख के लाया हूं बहुत सारे बच्चों से अभी इन दिनों में मुलाकात हुई फिजिकल रूप से भी कहीं पर जाना हो रहा था तो वहां पे बच्चे मिल रहे थे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स मिले अर्जुना के जो कि बोल रहे थे कि सर हम लक्ष्य में इनरोल हो चुके हैं उनके मन में जो डाउट्स थे वो सारे डाउट्स इकट्ठे करके आई बिलीव आपके मन में भी वही होंगे वो एक साथ मैं लिख के लाया हूं उनपे हम डिस्कशन करते हैं फिर हम अपने चैप्टर को अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे हाँ बेटा जिनको ज्यादा समस्या हो रही है वो यहां से पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से मेरी आवाज और वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी इससे ज्यादा आपको जानने की समझने की कोई जरूरत नहीं है यस और नो बहुत बढ़िया शाबाश तो चलिए जनरल डाउट से स्टार्ट करते हैं जो एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट इन दिनों सुनने को मिली दैट इज वो लिखी हुई सर इलेवेंथ पूरी बर्बाद है ये पता नहीं आजकल शायद एक फैशन बन गया है या फिर हो सकता है किसी कारणवश आपने इलेवंथ में थोड़ी कम पढ़ाई की हो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आप बेसिक से पढ़ाओगे ना एक तो ये डाउट कि हमने सर इलेवेंथ थोड़ी गड़बड़ कर दी है उसमें हमने अच्छे से पढ़ाई की बट हमारा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा क्लास इलेवेंथ में या फिर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की या फिर कुछ नए लोग जुड़े होंगे जो इलेवेंथ में कहीं से भी पढ़ाई नहीं की है और डायरेक्टली क्लास ट्वेल्थ से अपनी कोचिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके मन में ये पहले वाली लाइन डाउट आती है दूसरा जो लिखा हुआ है क्या अभी मैं अभी भी मैं जे मेन्स और एडवांस क्रैक कर सकता या सकती हूं अगर आज से ही जान लगा दू तो तो इन दोनों ही बातों का आंसर है यस ठीक है आपको जो भी बढ़ाया जाएगा क्लास ट्वेल्थ का करिकुलम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में अगर आप लो तो 95 परसेंट इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ है नई कहानी स्टार्ट हो रही है जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास इलेवेंथ में भी हम पढ़ते हैं क्लास ट्वेल्थ में भी वो आते हैं जैसे फंक्शन है

क्या मेरी बात समझ में आती है तो दोनों ही बातों का जवाब है यस अपने दिमाग में कोई भी फालतू डाउट मत रखिएगा प्लीज जो भी चीज यहां पर बोर्ड पे लिखी जाएगी चाहे वो क्लास इलेवेंथ की हो ट्वेल्थ की हो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन की जाएगी आपके यस सर बोले बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा दिस इज वेरी मच क्लियर आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इफ यू अंडरस्टैंड लिखकर भेजो यस सर अगेन या फिर सीएलआर लिखकर भेजो सीएलआर का मतलब होता है क्लियर <laughs> सर इतने सारे बच्चे वॉचिंग लाइव है एक लिख रहा है यस दिस इज द पावर ऑफ बोला जाता है ना कि पीडब्ल्यू पे प्यार चल रहा है तो दिस इज द पावर ऑफ प्यार बहुत बढ़िया आगे बढ़े आई होप ये दोनों ही डाउट आपके मन से एकदम क्लियर हो गए होंगे हाँ आगे भी बढ़ रहे हैं धीरे 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 घबराने की जरूरत तो मेरे ख्याल से तो लग नहीं रही और फिर भी कोई घबराहट है तो घबरा मत सुनते जाओ मुझे आराम से धीरे धीरे वो सारे घबराहट दूर हो जाएगी नेक्स्ट इज एक जब हमें रियलाइजेशन होता है कि सर हमने कुछ गड़बड़ की है पिछले साल में तो उस गड़बड़ को सही करने का मन तो है सर क्योंकि हमने मक्कारी करके काम चोरी करके देख लिया हमें उसका कोई नतीजा मिला नहीं तो फिर जो दूसरा डाउट आता है सर दैट इज कि मैं क्लास इलेवेंथ भी अपनी क्लास ट्वेल्थ के साथ मैनेज करना चाहता हूं या चाहती हूं तो आप हमें गाइड कीजिए कि यह काम हम कैसे कर सकते हैं कि क्लास ट्वेल्थ का तो करिकुलम अभी चलेगा सारे चैप्टर्स आपको क्लास ट्वेल्थ के पढ़ाए जाएंगे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक मेंस तक ओलंपियाड जो जो सवाल बन सकते हैं सारे आपको पढ़ाए जाएंगे सर बट व्हाट अबाउट क्लास इलेवन तो जैसे ही क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस खत्म होगा हम क्लास 11 की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे उसका नाम रिवीजन है बट उसमें भी आपको थोड़ा सा तेजी में मतलब लेक्चर्स कम अलॉट होंगे बट यस yes, हम क्लास इलेवेंथ भी पढ़ने वाले हैं बट अगर कोई बच्चा अभी भी रियलाइज कर रहा है कि मुझसे गलती हुई है आपके पास अर्जुना बैच का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया होगा जिस जिसने लक्ष्य जी बैच में इनरोल किया है तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग के इस फेज में स्टार्टिंग के इस फेज में आपके पास में टाइम रहता है ठीक है आप देखेंगे कि शुरू के एक महीने में हमारे पास में लोड कम है क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम है हमारे पास में टाइम है संडे को हम फ्री हैं रिलेटिवली होमवर्क कम मिल रहा है ऐसे करके आपके पास कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आपको टाइम मिलने वाला है तो आपको क्या करना है फर्स्ट इज मेरा पहला पॉइंट जो है योर फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं पूछूं कि सर हम क्लास इलेवेंथ की ओर भाग चले नहीं जी यर फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास ट्वेल्थ आपकी पहली प्रायोरिटी क्लास ट्वेल्थ होनी चाहिए हा ना क्लास ट्वेल्थ का होमवर्क होना चाहिए क्लास ट्वेल्थ के तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए जो जो आपका होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट कीजिए उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो आपको क्या करना है क्लास ट्वेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या मेरी बात समझ में आती है समझ में आती है तो एस एमजे लिख कर भेजे एस एमजे समझ में आने का शॉर्ट फॉर्म है कुछ लोग नहीं जुड़े होंगे बोले सर आप क्लियर के लिए सीएलआर लिखवा रहे हो समझ में आने के लिए एसएमजे लिखवा रहे हो बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑनलाइन यहां पर ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखना थोड़ा सा फिजिबल कम होता है छोटे छोटे आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं तो लिखकर भेजना तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास ट्वेल्थ हमेशा तीनों सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें आपने ट्वेल्थ भी पढ़ लिया उसकी इलेवंथ के भी चैप्टर निपटाए जा रहे हो नहीं जी ठीक है सेकंड सेकंड जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं दैट इज सेकंड आप एक काम करो जब भी आपको टाइम मिले या फिर आपको गैप मिले कि सर हमें टाइम भी मिल रहा है कभी कभी गैप भी मिल रहा है जो कि इनिशियल ऑफ द इनिशियल ऑफ दिस बैच में मिलने वाला है ठीक है इनिशियल ऑफ दिस बैच में आपको टाइम और गैप मिलने वाला है वहां पर आप क्लास इलेवेंथ के चैप्टर्स उठाइए क्लास इलेवेंथ के चैप्टर्स आप उठाइए ठीक है क्या करना है अर्जुना जय से अर्जुना से इसके वीडियो लेक्चर देखिए ठीक है अर्जुना से आप क्या देखोगे वीडियो लेक्चर्स फिर आप इसके नोट्स बनाओगे अलग कॉपी में ठीक है है हाँ ना और आगे बढ़ते जाओगे और पीवाई क्यूज सोल्व कर लोगे बस थोड़े थोड़े ठीक है थर्टी टू फोर्टी पर चैप्टर इसमें आपको डीपीपी वगैरह सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है वीडियो लेक्चर देखने हैं नोट्स बनाने हैं बिकॉज नोट्स बनाने से कॉन्फिडेंस आता है हमें पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से दस दिन बाद में आप सारी चीजें भूल जाओगे तो जब भी आपको टाइम मिले अर्जुना जयी बैच पे जाइए जो कि आपको इस बैच के साथ फ्री मिल रहा है क्लास इलेवेंथ का वहां से आप वीडियो लेक्चर देखिए नोट्स बनाइए पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए अगर आपको टाइम मिलता है तो ऐसा करते वक्त प्लीज क्लास ट्वेल्थ हेम पर मत होने देना इसमें भी बात आती है सर कौन से चैप्टर ये तो बहुत बड़ा है तो उसमें मैं चैप्टर्स की लिस्ट दे दू सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री निपटानी है जी ठीक है ट्रिगो लिख दिया मैंने जिसमें जो हमारा पहले वाला होता है कंपाउंड एंगल फॉर्मुलाज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वो वाला फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रेशियोज एंड आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसके बाद में आपको निपटाना है जी क्वाड्रेटिक उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज और लास्ट में आप बोल सकते हो बाइनोमियल थ्योरम ये पांच चैप्टर बोल दो तो, दो ये तीन ये ये पांच चैप्टर्स आपको बाय द टाइम कंप्लीट करने हैं अगर आपके पास में टाइम है तो ये कोई मैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा हूं कोई बच्चे बोले सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है आपने ये हम पे एक्स्ट्रा बर्डन और डाल दिया हम तो क्लास ट्वेल्थ के साथ ही अभी उलझे हुए हैं तो अगर आपको क्लास ट्वेल्थ में टाइम लगाना पड़ रहा है और आपसे टाइम लग रहा है तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास ट्वेल्थ फिर आप इस काम को होल्ड कर देंगे समझ में इस काम को क्या कर देंगे होल्ड कर देंगे फिर ये करने की जरूरत नहीं है आप क्लास ट्वेल्थ के नोट्स बनाइए क्लास ट्वेल्थ की डीपीपी सॉल्व कीजिए क्लास ट्वेल्थ के पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए मॉड्यूल सॉल्व कीजिए क्लास ट्वेल्थ अपनी आप हंड्रेड परसेंट तैयार कर लीजिए बिकॉज आप मानोगे नहीं आई टी जी मेन्स हो या एडवांस हो 60 परसेंट या 55 परसेंट क्लास ट्वेल्थ ही आती है समझे और एक बार अगर आपने क्लास ट्वेल्थ स्ट्रॉग कर ली क्लास इलेवेंथ की जिम्मेवारी हमारी दैट इज एट द एंड ऑफ दिस जर्नी हम करेंगे अगर आपकी जे मेन्स फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले जितनी हो पाई तो ठीक वरना सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी हम उसको और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे बट अभी आप क्लास ट्वेल्थ को दो बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं हो, सर ये तो हम कर ही रहे हैं हम इसके साथ साथ ये करना चाहते हैं तो ये प्रायोरिटी है और बाकी चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग प्रायरिटी बता दी जाएगी ठीक है अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो सैटरडे संडे बहुत सारी छुट्टियां आने वाली है अभी जून में आपको देखेंगे कि आपके पास में स्कूल का तो पूरा ही ऑफ हो जाता है स्कूल में आपको छुट्टियां मिलती है या फिर स्कूल से आप छुट्टियां ले सकते हो तब आप इन पांच चैप्टर्स को निपटा दीजिए प्लीज क्या मेरी बात समझ में आती है इसके अंदर दो चैप्टर है बाकी तीन ये एस एमजे लिखकर भेजना बात समझ में आई तो बोलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश इज दिस क्लियर टू एवरी वन इज दिस क्लियर टू एवरी वन क्लियर के लिए सीआरआर लिखकर भेजना है भाई कहां देख रहे हैं इधर उधर <laughs> एक बेचारा अब तक लगा हुआ है ऐप नॉट वर्किंग बेटा एप इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये बात क्लियर हुई सारा मैंने एकदम क्या करना है वो भी बता दिया और इसमें भी सारा लिख दिया है वीडियो लेक्चर्स नोट्स और ये वाली कहानी वीडियो लेक्चर आप चाहो तो टू की स्पीड पे वन की स्पीड पे देख सकते हैं दैट इज इज योर कॉल नॉट माइन आपको समझ में आनी चाहिए बात नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डाउट फिर निकल के आता है कि सर ये चलो लक्ष्य इसका नाम लिखा हुआ है बट सर इस साल तो हमारे पास में जय वाले बच्चों की अगर मैं मनोदिशा की बात करूं या मनोदशा की बात करूं तो सर ये थोड़ा सा क्रिटिकल साल है इसमें लक्ष्य जय बैच में जब हम जाएंगे तो सर हमारे पास इमेजिन दिस सिचुएशन डरा नहीं रहा हूं बट जो हकीकत है उससे वाकिफ करवा रहा हूं जब आप नवंबर की ओर बढ़ेंगे तो आपको तीन एग्जाम एक, एक के पीछे एक खड़े हुए दिखाई देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट देन मेंस देन बोर्ड्स फिर एडवांस चार एग्जाम्स तो सर बोर्ड्स भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है जिसपे हमें काम करना है तो क्या आप हमें बोर्ड्स का भी पढ़ाने वाले हैं तो अगेन आंसर इज यस मैंने आपको क्या बोला ये कंप्लीट पैकेज है जी आपने यहां पर एनरोल कर लिया अपने टीचर्स की बात को फॉलो करते गए अब आपको कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है।, During the course of this, है वो सारी बातें आपको सिर्फ फॉलो करना है अलग से कोई बैच नहीं ज्वाइन करना है अलग से कहीं पर पैसे नहीं देने हैं क्लियर तो बोर्ड का भी आपका ध्यान रखा जा रहा है वापिस से एस लिखकर भेजे एस बेटा पीएनसी एक बात बताओ जब तुम मुझसे ज्ञान लेने आए हो तो अपना घर का अपने पास जितना भी ज्ञान है मैं आपको तभी अच्छे से ट्रेन कर सकता हूं तभी अच्छे से सिखा सकता हूं जब आप अपना ये खाली करके आए प्लीज ठीक है हाँ जो कुछ लिख रहे हैं सर आपने उसमें पीएनसी नहीं लिखी तो जब प्रोबेबिलिटी आएगी ना तो पीएनसी मैं रिवाइज करवाऊंगा तेरे पे कम से कम बोझ डाल रहा हूं लिखने को तो ये ले मैं वहां लिख देता हूं टोटल पंद्रह चैप्टर है मैथ्स के कराना बेटा तो यहां पर मैं बोल के चला जाऊंगा बट बेटा और बेटी जो सामने बैठी है वो कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा पी एंड सी आपको नहीं करनी है वो मैं करवाऊंगा प्रोबेबिलिटी जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले तीन या चार दिन का लेक्चर्स का टाइम लेकर वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा तेरा लोड कम कर रहा हूं भाई तू अपना लोड खुद ही बढ़ाना चाह रहा है ऐसा नहीं करते ठीक है बोर्ड्स की तैयारी सब पे भारी टेंशन ना लो सब होगा नेक्स्ट है सर वट इज फ्लो ऑफ द क्लास आप क्लास में क्या क्या करवाने वाले हैं या क्लास हमारी कैसे जाने वाली है बहुत सारे बच्चे अर्जुना के हैं पुराने साल के हैं जानते हैं सारी चीजें बट बहुत सारे बच्चे नए भी हैं बहुत सारे बच्चों ने बीच में शायद हो सकता है किसी कारण बस जर्नी डिसकंटिन्यू कर दी हो तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं ये सारी बातें बोलनी समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये बाय द टाइम आपकी जर्नी में काम आने वाली है फर्स्ट थिंग इज आपके लाइव लेक्चर्स लिए जाएंगे आपको डेली होमवर्क क्वेश्चन दिए जाएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन में एच डब्ल्यू लिखकर चला जाऊंगा दैट वो जो होमवर्क क्वेश्चन है वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास क्लास में में आने से पहले जो next class की स्टार्टिंग डिस्कस होंगे फॉर एक्साम्पल अगर लेक्चर नंबर वन है मैं आज आपको कोई होमवर्क दे रहा हूं तो लेक्चर नंबर टू की स्टार्टिंग में मैं वो होमवर्क डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर वन में जो हमने पढ़ा उसकी समरी भी डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था ठीक है होमवर्क क्वेश्चन की बात हो रही है एक टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज करता हूं कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में आपको घर देने वाला हूं कि डू इट ये सवाल आपको खुद करने खुद करने करने हैं मतलब अब आप पूरा जोर लगा दीजिए खुद करने में अब खुद करने में सर हम तो घबरा गए देखो है ना मैं तो डर गई डरी डरीगी नहीं डरी हाँ सर किस वजह से बोले सर खुद कैसे करेंगे ये तो हो सकता है हमारे इसमें डाउट आए तो कोई बात नहीं इतना बड़ा बैच है वहां पर जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है उस कमेंट सेक्शन में आलतू फालतू बात करने वाली एक कैटेगरी है मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं बट इस बैच में भारत का बच्चा बच्चा जुड़ रहा है तो आप उनके उनके साथ डिस्कस करके क्या उसकी थॉट प्रोसेस क्या उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं डिस्कस कर सकते तो आंसर इज सर यस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं तो ये वाले वो सवाल होंगे जो आपको खुद करने हैं घर पर जाकर दिस इज टू इनहेंस योर प्रैक्टिस और फिर भी अगर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को किसी डिब्बी में डाउट आ रहा है तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा इज दिस क्लियर यस अरे ये कौन है भाई लेडीज होकर ऐसी हरकतें कर रही है बेटा जब से लिखी जा रही है एप नॉट वर्किंग यस बेटा ऐप इज नॉट वर्किंग आप इज वर्किंग अब मैं काम कर रहा हूं यहां देख ले बेटा बट ठीक है बहुत बढ़िया नेक्स्ट जब हम इन क्लास पढ़ाई करेंगे तो आपको बेसिक सवाल एसिडिक सवाल बेसिक सवाल कौन से सर डायरेक्टली जो आपने सिखाया उस पर उसका फॉर्मुला एप्लीकेशन एसिडिक सवाल मतलब जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े चैलेंजर क्वेश्चन सर भाई <laughs> सर वो वाले सवाल भी तो चाहिए जो मुश्किल हो जो हम थोड़ा सा लगे कि यार ये ये क्या पूछ लिया और ये कैसे सॉल्व करना था ये तो दिखने में बहुत डरावना है और फिर उसकी भी एडवांस वेराइटी दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन ठीक है जो एडवांस से भी ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग क्लास में बेसिक सवाल एसिडिक सवाल चैलेंजर क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन पी क्यूज क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज बुक्स जो भी मार्केट में चल रही है उन सब से सवाल निकाल निकाल कर एक पूरा लेक्चर तैयार किया जाता है लेक्चर तैयार करने में पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है हर एक टीचर की ऐसा नहीं है कि हम पुराने साल वाली पीपीटी यूज कर रहे हैं नहीं जी पुराने साल के कुछ दो चार क्वेश्चन पांच छह क्वेश्चन यूज हो सकते हैं बट हर साल नए क्वेश्चन एड ऑन होते रहते हैं और ये वो कैटेगरीज हैं जो हम क्लास में कवर करने वाले हैं इसको देखने के बाद में मेरे ख्याल से आपके दिमाग से ये निकल गया होगा कि दिस बैच इज सफिशियंट फॉर जेई मेन्स और जेई एडवांस और नॉट और फिर भी अगर डाउट है तो थोड़ी दिन एक बार वो बोलते ना आइए और यहां पर समय बिताइए आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि यहां क्या करवाया जा रहा है बिकॉज हम तो ओपन किताब है समझ में आएंगे नहीं समझ में सारा का सारा एकदम पर्दे के पीछे नहीं पर्दे के सामने ही हो रहा है तो आप देखिए आपको अपने आप विश्वास होगा कि यस सर वी आर ट्रेन वेरी वेल एंड वी आर कैपेबल इनफ़ हमें हमारा जो मेंटल स्टेटस है या फिर जो हमारा time, ये एक दिन में टाइम लगाने के लिए तैयार हूं डेरिवेशन एंड बोर्ड्स का भी ध्यान रखा जाएगा डीपीपी और मॉड्यूल से आपको होमवर्क दिया जाएगा डेली बेसिस पर एट द एंड ऑफ द क्लास या फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको होमवर्क दिया जाएगा फ्रॉम बोथ मॉड्यूल से भी और डीपीपी तो रोज आपकी अपलोड हो गई होगी आज पहली क्लास है इसलिए मैं रूड <coughs> मास्टर नहीं बनना चाह रहा हूँ कि मास्टर जी पहली क्लास में आए और पहले दिन ही काम दे के चले गए अच्छा कोई अगर टीचर आके डीपीपी दे तो उसको रूड मत बोलना बट हाँ फर्स्ट क्लास में कोई डीपीपी नहीं है रिलैक्स कीजिए प्लीज समझ में आया अभी आप में बहुत अनर्जी आप क्लास इलेवंथ भी करना चाहते हैं क्लास ट्वेल्थ भी फोड़ना चाहते हैं सर आज ही होमवर्क दे दीजिए आज ही पचास सवाल दे दीजिए हम आज कर देंगे बहुत अच्छी बात होती है एनर्जी में आना एनर्जी एनर्जी वाली स्टेट में आना मोटिवेटेड रहना बट मैं बोलता हूँ कि होल्ड योर एनर्जी क्योंकि इसकी जरूरत आपको अब नहीं पड़ेगी आज से डेढ़ महीने या एक महीने बाद में पड़ेगी दो महीने बाद में पड़ेगी जब आपको नेगेटिविटी ने आपकी थॉट ने और डिस्ट्रेक्शन ने और बैकलॉग जब आपको घेर लेगा तब आपको इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उन सबको साइड करने के लिए ठीक है हा है ना तो अभी हम ज्यादा होमवर्क या आज वाली क्लास में डीपीपी नहीं है नेक्स्ट क्लास में हम डीपीपी देंगे ठीक है तो आपको डीपीपी और मॉड्यूल से होमवर्क दिया जाएगा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखिए इसको ध्यान से पढ़िए प्लीज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस सिंपल सी कहानी है कि आपकी मैथ्स कैसी है कोई अगर आपसे पूछे या मुझसे कोई पूछता है या दो लोगों में आपको कंपेयर करना है कि किसकी मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है तो तो उनसे उनसे मत पूछो पूछो कि तुम्हें मैथ्स कितनी आती है नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व जो जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करेगा उसकी मैथ्स उतनी ही अच्छी होगी तो घबराइए मत इस बात की जिम्मेवारी भी मैं ही ले रहा हूं आपको मैथमेटिक्स में सवालों की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा कभी आपको लगेगा ही नहीं कि सवाल आपने सर कम करवाए लेक्चर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऐसा नहीं होगा जो पुराने बच्चे मुझे जानते हैं वो मेरे नाम के आगे कई कई बार एक्सटेंशन भी लगा देते हैं क्योंकि बोले ये मास्टर पढ़ाता बहुत है सवाल बहुत करवा देता है इतने की जरूरत नहीं है सर जरूरत है भाई तभी करवाए जा रहे हैं नो शाबाश ठीक है मॉड्यूल अगर आपके पास में नहीं है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा परचेज करने के लिए ठीक है कोई ऐसी बात जिसमें आपके पैसे खर्च हो नहीं बोलूंगा बट यस yes, आपके पास में एक किताब होनी चाहिए कि किताब यहां से सवाल सॉल्व करने के बाद में आपके पास कुछ तो हो जहां से आप प्रैक्टिस करो क्लास नोट्स को रिवाइज करना बार बार अच्छी बात है बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उससे क्या हो जाओगे चुरेट हो जाओगे कि सर हमें तो ये पता है इसमें क्या क्या करना है तो नए सवाल की प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे दैट इज बेस्ट प्लेस है दैट इज मॉड्यूल क्योंकि मैं पीडब्ल्यू मॉड्यूल से होमवर्क देने वाला हूं अच्छा नहीं लगता कि पढ़ा पीडब्ल्यू में रहा हूं किसी और के मॉड्यूल से होमवर्क दू है ना वैसा थोड़ी करूंगा तो लॉजिकली तुम्हें समझ में आता है क्या कर रहा हूं होमवर्क हम पीडब्ल्यू मॉड्यूल से देने वाले हैं अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस की कमी है सर मुझे मॉड्यूल लेने चाहिए तो आप ले लीजिएगा अभी नहीं खरीदने की जरूरत है बाय द टाइम आपको महसूस हो तब खरीद लेना है ना मॉड्यूल आपके पास में होनी चाहिए किताब अभी कोई खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं आई होप दिस इज क्लियर फ्लो ऑफ द क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये हमारी क्लास में होने वाला है पहले से एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं नेक्स्ट इज हां दो पार्ट है इस पूरी कहानी के दो हिस्से हैं एक हूं मैं और एक है तुम मैं क्या करूंगा वो मैंने बताया भी और हम करना स्टार्ट भी कर देंगे अब बात आती है तुम क्या करोगे मैं जो करूंगा उसकी मॉनिटरिंग आपके पास में है वीडियो क्चर्स बनाएंगे या फिर जो आपको लेक्चर्स लेंगे जो जो बातें मैंने बोली मैंने ऑन रिकॉर्ड आके बोल तो दी फिर मैं वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ये वीडियो क्लिप आप वापस मुझे काट के दिखा देना बोले सर आपने तो बोला था ये करवाऊंगा ये वाला तो मिसिंग है तो मेरे को चेक करने के लिए आपके पास में टाइम है या फिर एक तरीका भी है बट नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माई रोल इज ऑनली ट्वेंटी परसेंट मेरा बीस परसेंट का हिस्सा है आपका अस्सी परसेंट का हिस्सा है दैट इज योर डेली डिफाइंड ड्यूटीज दैट इज डी क्यू

हैबिट में एक डिसिप्लिन आ जाए कि हमें चार बजे उठकर लक्ष्य जेई की क्लास अटेंड करनी है जो होमवर्क मिलेगा उसको रात तक कंप्लीट करना है अगले दिन उठकर हमें नोट्स रिवाइज करने हैं वापस से पढ़ के जाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिर हमें अपनी क्लास में बैठना है तो दिस इज द प्रोसेस जो आपको सिखाना चाह रहे हैं जो आपको समझाना चाह रहे हैं लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा प्लीज नेक्स्ट मेक योर ओन क्लास नोट्स पिछले से पिछला लक्ष्य मैंने पढ़ाया था उसमें एक छोटी सी स्टेटमेंट बोली थी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी वापिस से रिपीट कर देता हूं दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है हमारे किसी काम की नहीं होती समझ है आपको अपने पेन से खुद के नोट्स बनाने हैं गर्लफ्रेंड की बात अभी नहीं करेंगे ठीक है वो बात हम बाद में करेंगे जब तुम आई में पहुंच जाओगे ठीक है आए ना तो आपको अपने क्लास नोट्स बनाने हैं बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूं क्लास नोट्स बनाने से ये पता चलता है कि आपने सच में पढ़ाई की है वरना सिर्फ वीडियो देख देख के जाते रहोगे तो वो पढ़ाई वाला जो अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम हफ्ते दो हफ्ते बाद में तुम बोलोगे डिटर्मिनेंट का सर कुछ नहीं आता हमें क्योंकि हमने सिर्फ सुना था है ना तो क्लास नोट्स किसी दूसरे के नोट्स देखो ना बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं हां सर क्या बढ़िया लिखा है यहां पर बादल बनाया है बॉक्स बनाया है स्टार लगा रखा है है हाँ ना और दूसरे के साथ कहीं गर्लफ्रेंड घूम रही हो तो भी बहुत अच्छा लगता है यार सर कितना अच्छा लग रहा है काश मैं भी नहीं जी ये दोनों ही इच्छाएं त्याग दीजिए आपको अपने खुद नोट्स बनाने हैं कैसे बनाने हैं उस पर अभी गाइड करेंगे घबराइए नहीं तो मेक योर ओन क्लास नोट्स आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है कहां तक जा रही है ये बात सीधा सीधा किस बात से डिसाइड होगी दैट इज आपकी क्लास नोट्स से अगला बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो करते यस रिवाइज योर नोट्स एंड री अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ऑफ क्लास सिंस फिर से मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं फिर से क्या मतलब मैं तो मैथ्स का टीचर हूं तो मैं मैथ्स के बारे में बोलूंगा है हाँ ना मैथ्स इज ए सब्जेक्ट जिसमें आपकी कलम चलती रहनी चाहिए कलम नहीं रुकनी चाहिए तो रिवाइज नोट्स आपने कर लिए ऊपर ऊपर से उसके बाद में क्या करना है सर जो आपने क्लास में एग्जाम्पल्स करवाए आपने लेट से दस सवाल करवाए जिसमें से पांच आसान थे हमसे देखते ही पहले जवाब में हो गए थे बट वो पांच में से दो या तीन ऐसे थे जो सर हमसे पहली बार में नहीं समझ में आए बट आपने जब समझाया तो हमें समझ में आ गए तो वो जो तीन सवाल है ना हो सकता है किसी के हिसाब से चार हो किसी के हिसाब से पांच हो किसी के हिसाब से दस के दस हो तो वो आपको घर पे जाकर वापस से रफ कॉपी में फिर अटेम्प्ट करना है बिना सॉल्यूशन देखे कि सर ने ये समझाया था ऐसे ऐसे इस सवाल को करके दिखाया था कि क्या मेरे पेन से ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझ गए दिस इज द मैथड ऑफ रिवाइजिंग मैथमेटिक्स लेक्चर समझ में आएगी नहीं समझ में आया नोट्स तो रिवाइज करने ही करने हैं आपको रीअटेम्प्ट भी करना अपनी क्लास को करने हाँ, वापिस सवाल दिख रहा है सॉल्यूशन मत देखिए पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे सॉल्यूशन मत देखिए उसका सॉल्यूशन खुद लिखिए कहीं अटकते हो तब सॉल्यूशन देखिए एक बार और अटके दोबारा अटेम्प्ट कीजिए जैसे ही आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाएं कि हाँ सर अब हमें सारे आगे हैं अब आगे बढ़िए समझ में आया आई होप एस लिखकर भेज सकते हैं ऐसे जे बहुत बढ़िया कंप्लीट योर होमवर्क होमवर्क आपको इतना दिए जाने वाला है सॉरी टू से दिस मतलब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है यह बोलते हुए कि आपको इतना होमवर्क दिया जाएगा कि दैट इज आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं जी आपको डीपीपी सॉल्व करनी है आपको जो लेक्चर्स के अंदर डिब्बी दिए जाएंगे वो सॉल्व करने हैं, लेक्चर्स के होमवर्क सवाल सॉल्व करने है। आपको का करने की जी जान कोशिश करनी है कई कई बार हो सकता है कि मैं आपको दो ही सवाल होमवर्क में देके जाऊं कई मैं आपको बीस सवाल होमवर्क में देके जाऊं सर इसको आप सिमेट्रिक क्यों नहीं रख सकते एक दिन दो एक दिन बीस दैट डिपेंड्स ऑन टॉपिक कि मैंने लेक्चर में कितना पढ़ाया उसकी रिलेवेंसी क्या है और उस डाउन तो yes, नहीं होनी चाहिए चल ही पाओगे नहीं चल पाओगे बट अगर कभी आपको लगता है कि होमवर्क मेरा छूट रहा है मिस हो रहा है इकट्ठा हो रहा है तो भाई साहब आगे आने वाला सैटरडे संडे देखिए वहां पर अपने आप को रोकिए बाकी जो भी फंक्शंस आपके जिंदगी में है खेलना कूदना कहीं घूमने जाना पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना वो सारे हटा दीजिए पहले उस काम को कंप्लीट कीजिए यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप क्लास इलेवेंथ में करते आए हैं और उसका रिजल्ट तुम जानते हो मेरे मुंह से सुनने की जरूरत है नहीं समझ गए तो बिफोर नेक्स्ट क्लास आपको होमवर्क करके आने की हंड्रेड परसेंट कोशिश करनी है बट बिकॉज ऑफ सम रीजन होमवर्क ज्यादा था या आपको आपको टाइम नहीं मिला नोट्स बनाने में ही या लेक्चर हैवी था हमें दोबारा देखना पड़ा जो भी कारण हो जिसकी वजह से आप होमवर्क नहीं कर पाओ तो सैटरडे संडे पार नहीं होना चाहिए भैया ठीक है हर वीक का सैटरडे संडे आता है उस दिन में आप वो पूरा वीक का होमवर्क निपटाइए सर इतना टाइम कहां से लाएंगे तो बाकी चीजों से टाइम एक्सट्रेक्ट कीजिए हाँ नहाने का टाइम काट दो अगर नहीं भी नहाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर पसीने में तो शरीर से बदबू आने लगी गर्मी आ रही है कोई बात नहीं कोई नहीं सूंघ रहा तुझे ना टेंशन ले कहीं घूमने जाने की भी कोई जरूरत है दिस इज वट वी कॉल्ड एज डेडिकेशन दिस इज वी कॉल्ड एज डिसिप्लिन यही तो चीजें हैं जो आपको उस चीज पे लेके आएंगी पूछना या करना बहुत आसान है सर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें एक चीज जो आपको बोल दी वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए उसको फॉलो करना दिस इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन क्या मेरी बात समझ में आती है वापस से ऐसे मुझे लिख कर भेजो फर्स्ट प्रायोरिटी आई आई टी जे है ठीक है अगले साल मई तक उसके बाद में जैसे ही आप आई आई टी में एडमिशन ले लो फिर अपनी प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना फिर मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा और ना ही मेरे बोलने का कोई हक बनता है क्योंकि मैंने जितने दिन के लिए आपको समझाना था ट्रेन करना था जितने दिन के लिए आपको डिसिप्लिन में रखना था उतने दिन के लिए रखा उसके बाद में नाउ द कॉल इज योर्स और अगर आप इतने दिन के लिए रहेंगे तो आपकी पूरी जीवन सुधर जाएगा तुम्हें डिसिप्लिन में रहना अपने आप आ जाएगा तुम्हें एक बात को फॉलो करना अपने आप आ जाएगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो ना उससे फर्क भी पड़ता है रिजल्ट भी आता है और अपने आप को मन चाहे रूप में हम देख भी सकते हैं इज इज दिस क्लियर नेक्स्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स बहुत ही सिंपल सी कहानी है हॉच पौच नहीं करते हैं मिक्स मसाला खिचड़ी मत बना देना भाई ठीक है दो किताबें रखिए आप दो नोटबुक्स की बात कर रहा हूं वन इज क्लास नोट्स एंड अनदर इज एक क्लास नोट्स होगी जिसमें आप नोट्स लिखोगे जो भी आपके सामने आने वाले हैं कैसे बनाने उसकी बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस बुक ठीक है प्रैक्टिस नोटबुक अब इस प्रैक्टिस नोटबुक में क्या होगा प्रैक्टिस नोटबुक में आप डीपीपी भी सॉल्व करेंगे आप मॉड्यूल भी सॉल्व करेंगे और आप डीपीपी मॉड्यूल हो गया और कुछ अच्छे सवाल पी क्यूज जिसको आप बोल सकते हो वो भी सॉल्व करेंगे ठीक है इस पूरी प्रैक्टिस की एक अलग नोटबुक बनेगी इसको डेकोरेटिव मैं तो बोल रहा हूं दोनों को ही डेकोरेटिव नहीं बनाना है मतलब पता चला उस पर नोटबुक बनाने जा रहे हो जरी गोटे का, का काम कर रहे हो <laughs> सर ये जरी गोटे का कौन सा काम होता है समझाना जरा मेरे ख्याल से लेडीज लोग लड़कियां जो मुझे सुन रही है समझ गई होंगी ना वो नहीं करना है सजा सजा के नहीं लिखना है इतना टाइम भी नहीं होगा हेडिंग लाल पेन से फिर क्वेश्चन ब्लू पेन से उसका एक्सप्लेनेशन ब्लैक पेन से इतने पेन तो तुम बदल ही नहीं पाओगे क्योंकि बहुत तेज तेज लिखता हूं मैं तो तो ठीक है क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तो आपको नोटबुक क्लास नोट्स वाली इस तरीके से बनानी है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीडेबल हो और ये वाला जो है इसमें आपको सवाल नहीं उतारने हैं भाई सवाल डीपीपी में छपा हुआ है तुझे उसका सोल्यूशन लिखना है और उन सवालों के सोल्यूशन लिखने अच्छा लिखने भी सर क्या है पहले रफ कॉपी में सोल्व करें फिर उसका एक सर ये आपने हमें नोटबुक मेंटेन करने के लिए बोली है, तो पहले रफ में सॉल्व कर लेंगे सीधा, सीधा, हो हो जगह होती है छोटे छोटे में उसका सही सॉल्यूशन नोट कर लो सेकंड क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ जगह छोड़ दो तीन लाइन की दो लाइन की सॉल्यूशन उसका नहीं आया तो कोई बात नहीं एकदम बारीक बारीक लिखना चींटी बन जाना हाँ ऐसे करना है आपको मॉड्यूल से आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन आप वहां नोट कीजिए एक्सरसाइज नंबर वन क्वेश्चन नंबर थ्री रहा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत हल्का था जो देखते ही हो गया तो उसमें आपने लिख दिया जो भी बात थी उसको लिखो ही मत क्योंकि सॉल्यूशन आपको उन सवालों की जरूरत पड़ेगी लास्ट में ये सारा काम किस लिए करवा रहा है बिकॉज जब आपके पास में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपको अच्छे सवालों जो आपने पूरे साल में अच्छे सवाल किए उनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है तो वो लाके कौन देगा पूरा आप तो कराए अलग अलग पन्नों पे फेंक दिए वो पन्ने रद्दी में बेच दिए घर वालों ने उससे कोई फायदा नहीं होगा फिर आपको उतना टाइम फिर देना पड़ेगा क्या मेरी बात समझ पा रहे हो उतना टाइम आप फिर दे नहीं पाओगे इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग से एक नोटबुक बनाना उसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है कहीं एरर हुआ काटा सीधा ऐसे बोले ये गलत है दूसरा उसके बगल में क्या मेरी बात समझ रहे हो डेकोरेटिव नहीं बनाना है नोट्स आप अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए बट उसमें टाइम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है इज दिस क्लियर टू एवरीवन आरा भाई क्लियर है क्या डिब्बी वाले सवाल आप क्लास में ही सॉल्व कर सकते हो नोटबुक में ही कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी अगर आपको नहीं लगता है तो वो भी डिब्बी वाले सवाल भी आप इसमें ले आइए अब मैं इसका प्रोपोर्शनल बता देता हूं अगर मान लो एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं पांच पेज में ध्यान सुनना एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं पांच पेज में तो प्रैक्टिस नोटबुक भरनी चाहिए पचास पेज में समझ में आया समझ पा रहे हो ये सिंपल सी रेशियो है दस गुना ज्यादा हो जाता है कि सर हमने नोट्स बनाए पांच पेज लगे एक सिंपल पांच पेज में तो कोई चैप्टर खत्म ही नहीं होगा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पांच पेज सर आगे पीछे लिखकर हमने उसमें पूरे नोट्स बना लिए जो भी आपने लगाया क्लास के जो सवाल थे वो भी हमने नोट्स में लिख लिए क्योंकि क्लास की सारी बातें नोटबुक में जाएंगी प्रैक्टिस की बात आती है वो दस गुना ज्यादा होनी चाहिए है ना उसका सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो जाएगा दस पे पचास पेज में क्या मेरी बात समझ में आती है है ना तो मतलब सर अगर ये पांच कॉपी भरेंगी तो ये पचास कॉपियां भरेगी ये अगर तीन कॉपियां भरेगी तो ये तीस कॉपी भरेगी तो आप सच बोल रहे हो तीस कॉपी कहां से भर देंगे मैंने कहा एक बार सवाल, सवाल करना स्टार्ट तो कर अपने आप भर जाएगी सवाल नहीं लिखना है जी जब आप प्रैक्टिस नोटबुक में जाओ तो मॉड्यूल में लिखा हुआ सवाल फिर नहीं लिखना है टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है डीपीपी का सवाल फिर नहीं लिखना है डू इट बायोसेल्फ का सवाल आपको बिल फिर नहीं लिखना है इनके आप एड्रेस लिख सकते हो एड्रेस मतलब कि मॉड्यूल चैप्टर नंबर टू एक्सरसाइज नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव उसका सोल्यूशन ये रहा अपने आप वो सवाल आपको सही टाइम पे मिल जाएगा इज दिस क्लियर टू एवरी बहुत बढ़िया नेक्स्ट इज लो भाई एक सिंपल सा डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूं बहुत सिंपल सी कहानी है इस बार करीबन करीबन चौदाह लाख ,00 बच्चों ने पेपर दिया था सिंपल डाटा ठीक है थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस पांच परसेंट हो सकता है अगर चौदह लाख ,00 बच्चे पेपर दे रहे हैं आप एटी परसेंट इसका कैलकुलेट करोगे तो करीबन करीबन ग्यारह लाख बीस हजार होता है तो आप इसका एटी परसेंट बोल सकते हो ग्यारह लाख स्टूडेंट्स ठीक है समझने वाली बात है ध्यान रखना यू कैन दिखने में लग रहा चौदह लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं यार है भाई फॉर्म भरना और मैं आई टी की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं यह बात बोलना बहुत आसान है कोई भी बोल सकता है समझ में तो चौदह लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया रफली उसका एटी इज ग्यारह लाख अगर आप सिर्फ यह सब बातें इनफैक्ट ये सारी बातें करते गए तब तो तुम्हारी रैंक आ जाएगी बहुत डबल डिजिट सिर्फ लाइव लेक्चर अटेंड करते रहे और नोट्स बनाते रहे तब भी आप 80% परसेंट जनता से अपने आप आगे हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यही रियलिटी है यही क्या है यही रियलिटी है कि अगर सिर्फ आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड किए एकदम लीस्ट वर्स्ट केस सीनैरियो कि सर आप सच बोल रहे हो सर चौदह लाख में से ग्यारह लाख इतने बच्चे हैं जो ये काम भी नहीं कर पाते कि लाइव लेक्चर देखना नोट बनाना और रिवाइज करना मैं नहीं कर पाते तो दैट ऑल ऑल एंड हमारा लाख से ही बचा एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्राउड पीछे हो गई अब बारी आती है सर उन तीन लाख को भी हम बहुत पीछे या बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देंगे अगर हम ये सारी बातें फॉलो करते रहे या फिर अपने आप को फॉलो करवाने पर मजबूर करते रहे तो सिंपल सी कहानी है बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि जो बात आज मैं बोल रहा हूं वो मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं कि भाई लाइव लेक्चर देखो नोट्स बनाओ लाइव लेक्चर देखो नोट्स बनाओ मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है पहला पहला दिन इसलिए चूज किया बिकॉज आज आप कुछ बदलने की स्थिति में हो आपका मनोदशा जो हुई है ना कि सर मैं अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता हूं अपने घर वालों की हालात सुधारना चाहता हूं अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं तो फॉलो दिस गाइडेंस मांगते हो ना आपकी गाइडेंस ही चल रही है ठीक है हाँ है ना क्या मेरी बात समझ में आती है इतने लोगों से अपने आप आगे हो जाओगे अगर सिर्फ लाइव लेक्चर और नोट्स बनाते रहे और ये कर लिया तो इसमें से भी कम से कम आप चाहो तो तीन लाख बचे उसमें से भी आप डेढ़ लाख को या तीन लाख में से ढाई लाख को फिर पीछे छोड़ दो वो भी गए बची पचास हजार की बात और आई आई में करीबन करीबन तीस हजार सीटें हैं थोड़ी सी और एफर्ट डालना है ये सारी बातें पीवाई क्यूज वगैरह सब सॉल्व करना है आप टॉप हंड्रेड टॉप फाइव हंड्रेड टॉप थाउजेंड में आराम से हो तो ये पूल आपको बड़ा दिख रहा है बट जैसे जैसे काम वो बोलते हैं ना जैसे जैसे कटिंग होनी स्टार्ट होगी आगे इतने लोग नहीं पहुंचते हैं आगे इतने लोग नहीं पहुंचते हैं सिंपल सा डाटा है चलिए जी मैदान में बने रहे व्यू मीन बाई सर मैदान में बने रहे बैच में ही बने रहे कहीं पर भी छोटी सी दिक्कत आई भाग गए कहीं और किसी ने कुछ ज्ञान दे दिया आजकल सबको माइक और सबको कैमरा मिला हुआ है है ना सबका एक ओपिनियन है कोई किसी को अच्छा बोलता है कोई किसी को बुरा बोलता है है ना सबका अपना अपना हमारा जिससे थॉट प्रोसेस मैच करता है जैसे किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो उसको वो वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी जिसमें नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है आपकी तो रैंक आ जाएगी भाई उसको वो वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि हम अंदर से काम चो हैं तो हमने किसी एक और काम चोर की बात सुन ली प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है सीधा मैथ्स में नंबर आते ये ये किताब सॉल्व कर लो ये वाली बात बस फॉलो कर लो उसको उसकी बात अच्छी लग जाएगी ऐसा होता है क्योंकि ऐसा थोड़ी जर्नी एकदम स्मूथ जाने वाली है ना ही इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई रहने वाला है हमेशा के लिए जर्नी में अभी बहुत सारे तूफान आएंगे सर वो जब तूफान आएंगे तब हम भागेंगे है ना तब हम भागेंगे तब हम भागेंगे वैसे ज्ञानी लोगों के पास क्योंकि उनके पास एक माइक और एक कैमरा है है ना उनकी बात सुनेंगे उनकी असलियत कौन वेरीफाई कर सकता है ना समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे आई होप यू गॉट दिस तो प्लीज मैदान में बने रहें फॉलो दीज थिंग्स आप अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे आपको बस पेशेंस और पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है और आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा किसी और की बात हमें हिलाकर बिल्कुल नहीं जा सकती सिंपल सी कहानी है हम अपने टीचर्स पे विश्वास करते हैं इन्होंने जो बोला वो हम फॉलो करेंगे उसके बाद में रिजल्ट जो भी होगा वो इनके मत्थे ही लगा देंगे बोले आपसे पढ़ा था सर ये रिजल्ट आया देख लो अब क्या करना है ठीक है जब रिजल्ट आएगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे चाहे आपकी रैंक वन आए टू आए फिफ्टी आए पांच आए पांच आए या कुछ आए ही ना हंड्रेड ऐसे नहीं बोल रहा हूं डन शाबाश आई होप यू आर मैच इनफ समझ में आया कि नहीं समझ में आया ऑनलाइन के कुछ फायदे भी हैं ठीक है डिजिटल दुनिया जब बनी है तो उसके फायदे भी है नुकसान बहुत ज्यादा है डिस्ट्रेक्शन यहीं से आते हैं कोई हल्की सी बात आपके कान में डाल डालते इतने में सर हम तो इतने स्ट्रांग नहीं है ना मेंटली कि हम उस बात पे अटक रहे जो आज आ, आपने हमें पहले दिन बोली थी हम तो कहीं और भाग जाएंगे है ना समझे कि नहीं समझे आई होप यू गॉट गॉट दिस

ये दो नोटबुक खुली हुई है ये है आपकी रफ बुक रफ नोटबुक ना ही ये आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है और ना ही आपकी नोट्स वाली है और ये है आपकी नोट्स वाली बुक सुनते तो जाना आराम आराम से एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट यू हैव टू फॉलो कि कहां पर आपको कैसी बातें करनी है समझ में कहां, कहां पर आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं सामने लेक्चर चल रहा है मैं कोई थ्योरिटिकल चीज या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इस स्लाइड पे कितनी मिनट इन्वेस्ट किए आराम से दस मिनट लगाइए और कितनी बातें लिखी हुई हैं? एक दो तीन चार पांच और फॉर एग्जाम्पल उस दस मिनट में ये छह लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखनी हो कितने मिनट लगेंगे सर तीन मिनट लिख सकते हो लिखी हुई थी। मैं साथ में कुछ समझा रहा था आप इनको देख देख के मेरी बातें समझते हुए भी नोट कर सकते हो बट जहां पर मैंने कुछ चीज एडिशनली समझाने की कोशिश की बिकॉज ये तो जनरल बातें हैं मैथ्स में टॉपिक जो है थोड़ी थोड़ी कई बार क्रिटिकल भी आते हैं जहां आपको आपको लगा कि समझना जरूरी है आप अपना पेन रोक लीजिए समझने पे ध्यान दीजिए बिकॉज नोट्स की तो पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद में मिल ही जाएगी समझाने वाले के लिए आपको फिर वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस तो आपके सामने कुछ आया जितना आप उसमें से लिख सकते हो फ्री हैंड रहते हुए उस लिखने में भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी समझना होना चाहिए समझने के बाद में आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो या फिर आप भी हमारे साथ साथ में लिख रहे हो तो आप भी मेरे साथ साथ में लिख सकते हो कि हाँ आपने ये बोला ये बोला बट हाँ आप बोल रहे हो कि समझो भाई ये बात इंपॉर्टेंट है तो पेन छोड़ देना समझने पे ध्यान देना है एकदम आंखें और दिमाग खोल के क्या मेरी बात समझ में आती है तो जैसे भी मैं स्लाइड पे जाऊं आपको कुछ दिख रहा है आप अपनी नोट्स में लिखना स्टार्ट करो मैंने बोला समझना है है रुक जाओ ठीक सर रुक गए बट आपने समझाने के बाद में तुरंत अगली स्लाइड पर चले गए हमारे तो पांच पॉइंट रह गए अभी भी तीन ही लिख पाए थे दो पॉइंट रह गए कोई बात नहीं उतनी जगह छोड़ दे वो आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में लिखना है ठीक है फिर डायरेक्टली मैं आ गया सवाल पर ठीक है इसके बाद में मैं आया क्वेश्चन पर मैथमेटिक्स है ना तो क्वेश्चन आ जाएगा सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑप्शन अब कुछ लोग या कुछ बच्चे जाने अनजाने में पहले तो सवाल देखते ही इस सवाल की स्टेटमेंट और ये ऑप्शन अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देंगे ईमानदारी से बता रहा हूं मैथ्स का सवाल आपको लिखने में करीबन करीबन पांच या सात मिनट चाहिएगी ऑप्शन समेत ऑप्शन समेत लिखने में या ऑप्शन के साथ लिखने में आपको पांच मिनट लगेगी वो पूरा सवाल लिखने में और पांच मिनट में रुकूंगा भी नहीं। मैं सवाल करूंगा, उसका या फिर सवाल दिखने के बाद में टाइम दिया जाता है आपको पढ़ने का, करने का। सवाल पढ़िए स्क्रीन से और उसका सॉल्यूशन यहां नोट कीजिए नोट नहीं कीजिए उस सवाल को यहां सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में उस सवाल को सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में तो मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं अगर आपकी मैथ्स की क्लास में सवाल आया है तो ये वाली नोटबुक का तो काम ही जीरो हो गया इसको इसको साइड में 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 कर दो इसको आगे ले आओ पेन जो है आपका रफ रफ कॉपी कॉपी चलेगा आडा तिरछा जैसे भी आप रफ में काम करते हैं वैसे मेरे बराबर सॉल्व कर पाए बहुत अच्छी बात सॉल्यूशन सही आ गया बहुत अच्छी बात नहीं सही आया फिर जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए समझ तो में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा नोट्स बनाने का टाइम नहीं दिया जाएगा तो आप जो है वो सर सॉल्यूशन फिर सॉल्यूशन फिर रहा है कुछ बच्चे रिपीट बोल रहे हैं सर अभी भी स्क्रीन पर रुके हुए हैं बट मेरा तो यह सवाल सॉल्व हो गया नाउ स्टार्ट राइटिंग इस नोट बनाने में लिखना स्टार्ट कीजिए और उसमें भी पहले सॉल्यूशन लिख लो आपको दिख जाएगा कि सवाल कितना बड़ा है उतनी लाइन छोड़ दो या तीन लाइन छोड़ दो दो तीन लाइन से बड़ा सवाल हुआ कोई बात नहीं थोड़ा चींटी टाइप लिख लेना पतला पतला लिख लेना ठीक है आपको सॉल्यूशन नोट करना है जी क्या मेरी बात समझ पा रहे हो दिस इज द वे यू शुड मेक नोट्स सर इसकी सवाल की स्टेटमेंट फिर अरे भाई पीडीएफ की नोट्स मिलने तो वाली है ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है ऑप्शन सिर्फ आपको मदद करता है इनिशियली सवाल के बारे में सोचने में आपको अपने क्लास के चारों ऑप्शन ए बी सी डी वो सारे के सारे इसमें नहीं लिखने हैं नहीं लिखने आपको सिर्फ सवाल की स्टेटमेंट लिखनी है किस साल में पूछा गया था आपने इस सवाल को स्टेट सर आपने इस सवाल को इंपॉर्टेंट बोला कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक थोड़ा रिपीटिंग है आपने उस पर स्टार लगवाए तो ये स्टार हम उस सवाल पे लगा लेंगे आपको ऑप्शंस नहीं लिखने है, समझ में आता हा ऐसे ना एसएमजी लिखकर भेजना बोलो ऐसे बनाने हैं नोट्स सर फिर भी हमारी स्पीड कुछ बच्चों की इतनी धीरे है कि सर हम ये तो नहीं कर पाए तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है भाई आपने लेक्चर पूरा समझ लिया मेरे साथ सवाल के आ, क्लास के नोट्स आ, सवाल सॉल्व किए अब जैसे ही आपकी क्लास खत्म हुई हो सकता है उसके तुरंत बाद दूसरी क्लास हो या हो सकता है मेरी लास्ट क्लास हो उसके बाद में आपके पास में चालीस मिनट या आधे घंटे का टाइम निकालिए आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पीडीएफ नोट्स को देख देख कर आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पीडीएफ नोट्स को देख देख कर जो भी इन नोट्स में अधूरापन है जो भी बात आप नहीं लिख पाए उसको अब कंप्लीट कीजिए दिस इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स समझ में आया ज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स और मैंने आधा घंटा बोला है, इसको धीरे धीरे रिड्यूस करना आप आधा घंटा मिनिमम इतना तो आपको लगे लगेगा ही लगेगा हो सकता आपको एक घंटा लगे इनिशियल टाइम पे कोई बात नहीं घंटा समझ में आ जाएगा कि मैं कहां, कहां पर अपना टाइम बचा सकता हूं जैसे ऑप्शन नहीं लिखने कई कवाल इतना आसान होता है कि उसकी सर आपने बोला था इस सवाल में जैसे डिटर्मिनेंट किया है इसमें को फैक्टर डिटर्मिनेट की वैल्यू पूछी तो बस इतना ही लिख लिया कि को फैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी सिर्फ डाटा डाटा लिख लिया तो आप ये धीरे धीरे बाय द टाइम बाय द कोर्स ऑफ द टाइम आप सीख जाएंगे कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने हैं क्लास मैट्स मैट्स क्लास मैथ्स मैथ्स में में की ये रफ कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो ये जो मैंने लिखी है कि आपको नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी चाहिए प्रैक्टिस नोटबुक भी रफ वाली खरीदना ये सफेद पन्नों वाली और ये भूरे पन्नों वाली ब्राउन वाली होती है ना थोड़ी सी हल्की वो वाली ये सारी हल्की वाली किताबें हैं कॉपी है इसके साथ साथ कम से कम चार पांच रफ नोटबुक और खरीद लीजिए हाँ, वो कोई आपका इन्वेस्ट मतलब खर्चा नहीं है ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आप वहां से सीखने वाले हैं। हाँ बेटा आईपीएल चल तो रहा है तुझे पता ही नहीं है आईपीएल चल रहा है हाँ आईपीएल चल रहा है नाउ आप कौन सा आईपीएल देखना चाहते हो वो मुझे नहीं पता हाँ यस yes. आईपीएल चल रहा है मैंने कहा मना किया मैंने कब बोला कि आईपीएल नहीं चल रहा है आप कौन सा देखना चाहते हैं वो देख लेना प्लीज जिनको आईटी में जाना उनके लिए तो चल रहा है एक आईपीएल स्टार्ट हुआ आज से ही क्लियर है आई होप यू गॉट दिस सेट योर प्रायोरिटी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था सेट योर प्रायोरिटी आप कौन सा आईपीएल देखना चाहते हो आपसे पूछा आईपीएल देख रहे हो कि नहीं बोले हाँ सर देख रहे हैं बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं आईपीएल मजा बड़ा आता है आ, ने 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 ने, ने। आ, सर जब सवाल सॉल्व होता है ना तो पीछे से वो ट्यून बजती भी सुनाई देती है हमें हम ये वाला आईपीएल देख रहे हैं सर बाकी लोगों को जो देखना देख दीजिए हम अगले साल आई टी डेली के कॉमन रूम में सर वो वाला आईपीएल देख लेंगे क्योंकि अगले साल दिल्ली के कॉमन रूम तक पहुंचने के लिए इस आईपीएल की जरूरत है आई होप यू गॉट दिस नोट्स बनाना समझ में आया मैथ्स की लाइव क्लास कैसे अटेंड करनी है और जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म हुई जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म हुई उसके बाद में आपको क्या करने है? करना है नोट्स को कंप्लीट करना है नोट्स का जो अधूरापन है वो कंप्लीट कीजिए उसके बाद में जो आपको होमवर्क दिया है पहले रिवाइज कीजिए अच्छा एक और चीज ये नोट्स कंप्लीट करना और नोट्स रिवाइज करना ये दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं नोट्स कंप्लीट करना और नोट्स को रिवाइज करना ये दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं क्योंकि जब आप पीडीएफ नोट्स पे जाओगे इस सवाल को लिख रहे हो तो ना चाहते हुए भी मैं आपको बोलता हुआ सुनाई दूंगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर तो कि हाँ यार इस सवाल में सर ने ये बताया था जब आप लिख रहे होंगे तो ये नोट्स कंप्लीट प्लस रिवाइज ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं ये आपको करने हैं क्लास के बाद में नाउ मूव टू होमवर्क अब होमवर्क के लिए आप उसी रात को चुनते हैं तो भी ठीक है वरना अगले दिन सुबह चुनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको सुबह और रात को टाइम नहीं मिल रहा है तो आप फिर संडे सैटरडे का वेट कीजिए हाँ वेट कीजिए मतलब ऐसा नहीं कि संडे संडे वे, वेट किया आया तो उसको हमने कुछ नहीं किया फिर चले गए आगे फिर हम रो रहे हैं सर हमारा तो होमवर्क ही नहीं है ऐसा नहीं है भाई आई होप यू गॉट दिस बहुत बढ़िया ठीक है तो जितनी भी जनरल बातें मैंने की आई होप आपको समझ में आई होंगी इसके अलावा और कोई जनरल बात अभी करने के लिए है नहीं पूरी जर्नी में ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा आपकी समस्याएं सुनूंगा नहीं सुनूंगा सारी बातें हम करने वाले हैं बट दिस दिस इज इज द द बेसिक एंड मिनिमम जो मुझे कवर करना था कि इतनी बातों का जवाब मैं आपको दे दू आई होप यू लाइक डेट और आपको सारी सारी बातें समझ में आई होंगी बट सर अभी भी हमारे मन में बहुत सारे डाउट हैं सर मैं तो उस फलाना बोर्ड का हूं मैं तो सीबीएसई बोर्ड का नहीं हूं आप कौन से बोर्ड का पढ़ाएंगे तो पूरा एक बार पढ़ के तो देख आपके नंबर हर बोर्ड में आ जाएंगे इस बात की गारंटी मेरी है समझ में आएगी नहीं समझ में आया समझ में आया स्कूल कैसे मैनेज करें स्कूल को आपको मैनेज नहीं करना है स्कूल आपको मैनेज कर देगा ठीक है हाँ ना अब स्कूल मैनेज इज ए प्रॉब्लम दैट इज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस पर अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगा कि जितने बच्चों से मैं मिला हूं अभी ऑफलाइन में कई कई बार जाना होता है काफ़ी जगह गया हूं तो वहां पर जब मुझे बच्चे मिलते हैं तो उनसे पूछता हूं भाई स्कूल कैसे मैनेज कर रहे हो तो वो यही बोलते हैं ध्यान सुनना रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स एंड रियल चीजें कोई इमेजिनरी बात नहीं बोलते हैं बोले सर स्कूल जाता हूँ ना कभी कभी तो छुट्टी ले लेता हूँ क्योंकि हम बीमार होते हैं तो दो दिन की छुट्टी होती है फिर मैंने कहा वही यार तेरी सेवेंटी अटेंडेंस बोले कि सर कोई दिक्कत नहीं है वो मैनेज हो जाती है स्कूल में सर छुट्टियाँ बहुत आती हैं है ना स्कूल में फंक्शंस बहुत होते हैं स्कूल में सर हमारे फ्री पीरियड्स भी कई बार बहुत सारे आते हैं वहां ले जाता हूं सर मैं अपना नोट्स मेकिंग वाला काम वहां कर लेता हूं तो सब लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं और ऐसे ही मैनेज होता है क्या मेरी बात समझ रहे हो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप बोलोगे वाली स्टेटमेंट बोल दो उसको सुन लेंगे स्कूल मैनेज हो जाएगा नहीं होता है आपको टाइम स्कूल में से खुरेद खुरेद के निकालना पड़ेगा आप मानोगे नहीं भाई इतने डेडिकेशन पर बच्चे गए हैं कि जब उनकी रिसेस होती है इंटरवेल होता है स्कूल में तब वो स्कूल वाले में अपना मोबाइल साथ में लेके जाते हैं वहां से नोट्स देखते हुए कंप्लीट कर रहे हैं साथ में खाना खा रहे हैं इस लेवल पर लोग स्कूल मैनेज कर रहे हैं और तुम सोच रहे हो कि हम रिलैक्स सिट बैक करके सर स्कूल बड़े बड़े तंग करते हैं तंग करेंगे करते भी हैं ना तंग करने का मतलब कि वो आपको रिटर्न वर्क देंगे बहुत सारी चीजें देंगे उसको आप काफी हद तक इग्नोर कर सकते हो काफी हद तक आपको करना भी पड़ता है दोनों बातों में मैनेज करके चलना पड़ेगा बट यस दिस इज द ऑनली वे जब मैदान में उतरोगे तो आप एक और सिंपल सी चीज मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज फोकस ऑन दिस कि भाई साहब पहले से स्ट्रेटेजी बनाकर मैदान में मत उतरो आप मैदान में उतरिए रास्ता, बना तो रास्ता, बना रास्ता बनाना चाहते हैं कि नहीं कि हाँ हम गए थे स्कूल में मैथ्स वाले बीमार थे वैसे मैथ्स वाले सर बीमार होते तब भी पहुंच जाते हैं मैथ्स वाले मास्टर बड़े खड़ूस होते हैं केमिस्ट्री वाले सर बीमार थे उनकी सर पीरियड फ्री था मैंने बैठ के सर इतना काम कर दिया तो ये जो टुकड़ों में आपको टाइम मिल रहा है कहीं कहीं से उसको एक साथ लाकर आपका स्कूल मैनेज होगा यस दिस इज द ऑनली वे हाँ स्कूल में पेपर्स भी आएंगे तब आपको हो सकता है थोड़े दिन पीडब्ल्यू को होल्ड करना पड़े बट जैसे ही आप इसको होल्ड करोगे सर वहां पर हमें वापस यही तो चीजें सीखनी है अबे तुम्हें क्या लग रहा है कहां पर स्ट्रगल होने वाला है सर तो एक सवाल आया हमें तो ये नहीं समझ में इसलिए आईटी चाहिए डिफिकल्ट है नहीं भाई जो यहां पर सवाल आएगा वो सबसे सॉल्व हो जाएगा सबको समझा के भेजूंगा अगर तो असली दिक्कत असली स्ट्रगल असली इनपुट कहां लगती है इसी इन्हीं चीजों को तो मैनेज करने में इन्हीं चीजों को तो मैनेज करने में असली इनपुट लगती है जिसमें हमारा कोई बस नहीं चलता सारा का सारा बस सारा का सारा कंट्रोल आपका होता है समझ में और वहां पर एक ही चीज काम आती है दैट इज योर एटीट्यूड कि आप सच में जेई क्वालिफाई करना चाहते हैं कि नहीं अगर आंसर है हाँ तो आप टाइम निकाल लाएंगे कहीं ना कहीं से हंड्रेड परसेंट निकाल पाएंगे जो तुम सोचते हो ना कि कि स्ट्रगल या डिफिकल्ट किस वजह वजह से है की ये है की प्रिपरेशन वाली चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आप टाइम बाकी लोगों से या बाकी जगह से खींच नहीं पा रहे हो एक बार आपने वो टाइम खींचना सीख लिया एक बार आपको समझ में आएगा कि ये इंसान या फिर ये वाली चीज मेरा टाइम ले जाती है तो हम उसको साइड में करना सीख गए दैट मीनस आप सीख गए जेई का असली प्रिपरेशन करनी आप सीख गई और जिस जिसने जेई की प्रिपरेशन की है वो अपनी जिंदगी में आगे कभी नाकामयाब कभी नहीं होता प्रिपरेशन की है सर प्रिपरेशन की ही बात कर रहा हूं रिजल्ट की तो बाद में बात करेंगे गॉट इट है ना हा बेटा जब बोर्ड्स के सवाल करवाऊंगा ये कौन है एनसीआरटी वाला <laughs> सर एनसीआरटी वाला तो चैनल है आपका पीडब्ल्यू अरे नहीं एक एनसीआरटी जब से लेके जा रहा है बेटा जब बोर्ड्स के सवाल करवाऊंगा मेरे भोले चिंटू तो वो सवाल कहां से करवाऊंगा सर जेई जयस में क्या पता बोर्ड का अरे नहीं भाई एनसीआरटी के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीआरटी का इंपॉर्टेंट वेटेज है मैथमेटिक्स में उतना नहीं है जहां पर मुझे लगेगा कि इस एक्सरसाइज में से ये वाला सवाल एनसीआरटी का इंपॉर्टेंट है वो भी होमवर्क में इंक्लूड कर दूंगा <laughs> बेटे गुलमुल <laughs> क्या करता है यार पहले एक बार आके सारी चीजें एक बार सर पहले बता दो क्या क्या करने वाले हो फिर हम देखेंगे क्या करना है आ तो सर पहले सब होगा टेंशन ना ले और इतना होगा कि आप ही बोलोगे सर अब रुक जाओ अब हमसे नहीं हो रहा है क्लास ट्वेल्थ के साथ इलेवन कैसे मैनेज करनी है अगेन गैप मिलता है तो ठीक वरना होल्ड दिस फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास ट्वेल्थ ट्वेल्थ बोर्ड क्या आप कवर करेंगे तो आंसर इज सर यस फ्लो ऑफ द क्लास एंड योर डेली डिफाइंड ड्यूटी ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इसको जो समझ गया इसको जो फॉलो कर लेगा उसका रैंक कहीं नहीं रट वाला सर तो नोट्स कैसे बनाने हैं लाइव क्लास के साथ वो घंटे मत, पैंतालीस मत, एक घंटे तो तो उस, उस नहीं चालीस मिनट डालने पड़ेंगे तब जाके नोट्स कंप्लीट होंगे ठीक है तो ये एक्स्ट्रा तीस चालीस मिनट लेके एट लास्ट ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा रीड दिस स्टेटमेंट अपनी सारी चिंता परेशानी दुख दर्द गिव इट टू मी समझ में आएंगे नहीं समझ सारा का सारा दुख परेशानी चिंता सब मुझ पे छोड़ दीजिए प्लीज ठीक है सारा का सारा किसी भी बात की चिंता दुख दर्द कुछ पीड़ा मन में कोई डाउट लेकर मत बैठो बोलते ना फिल इन द ब्लैंक्स बन जाओ और वो ब्लैंक मुझे भरने का मौका दीजिए प्लीज मैं अच्छे से भर दूंगा उसको तुम्हारा क्या वो ब्लैंक के ऊपर बहुत सारी चीजें तुमने जमा रखी है तो मैं उसमें भरूंगा जगह ही नहीं है समझ में आया तो एकदम ब्लैंक होके आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को एक साथ मिलकर जस्ट रिलैक्स एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन ऑन डेली बेसिस आज मैंने आपको एक कलेक्टिव इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐसा ऐसा आपको करना है ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको टाइमली देता रहूंगा कि भैया अब ये चैप्टर आ गया ये इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है इस पर स्टार लगा दीजिए ये वाला सवाल बहुत ज्यादा जय में पूछा जा रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा कहीं भी डीमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेट भी किया जाएगा और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे समझ में आया कुछ बुद्धिजीवी लोग जो आज भी पीडब्ल्यू को ये मानते हैं कि बच्चे ये इसलिए इकट्ठा कर सकते हैं कि ये शायरी सुनाते हैं पहले तो उनकी बुद्धि को सलाम है भाई पता नहीं धरती पे उनका काम ही कैसे चल रहा है समझ में आया ना बट घबराए नहीं धीरे 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 उनमें भी अक्ल आती जा रही है हाँ कुछ तो करते हैं यार ये तभी बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं इनसे इतना प्यार भी करते हैं समझ में तो घबराए नहीं शायरी भी सुनाएंगे स्टोरी भी सुनाएंगे अपनी जर्नी भी डिस्कस करूंगा सारी बातें वो करेंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है तुम्हें रिलैक्स रखने के लिए जरूरी है तुम्हें मोटिवेट करने के लिए जरूरी है सारी वो बातें करेंगे घबरा मत माय प्रॉमिस ना? चलिए जी एक बार सभी लोग एस लिखकर भेजिएगा प्लीज बहुत ही शुभ घड़ी है बहुत ही शुभ दिन है हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ आपकी मन की शंकाएं दूर कर देता हूं काफी जगह पर क्लास इलेवेंट ऑफ व्यू से एज ए हमने पिछले महीने दस सालों में देखा है बच्चों को क्लास ट्वेल्थ में आती है बाकी सारी फिजिक्स और फिजिक्स में स्टार्ट होता है यूनिट डायमेंशन मैथ्स में में स्टार्ट होता है है बेसिक ना सेट थियोरी, सेट थ्योरी थ्योरी तो ये दोनों होते हैं मूल बच्चा उलझ जाता है बोले भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं यार तो स्टार्टिंग आपकी रिलैक्स रखने के लिए ये दो चैप्टर्स लाए गए हैं बिकॉज दीज चैप्टर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इनकी खुद की अपनी थ्योरी एक नई गणित है वो नई गणित सीखेंगे जिसमें ज्यादा दिमाग लगता नहीं है और ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नए ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चैप्टर स्टार्ट करने का जो लॉजिक है वो ये है कि एक बार आप स्टडी टेबल पे बैठना सीख गए कि हाँ यार मजा आ रहा है तो अपने आप इस यही मजे के साथ आप रिलेशन फंक्शन इनवर्स डिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी कैलकुलस एक साथ निपटा देंगे आई होप यू गॉट माई पॉइंट दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर्स समझ में ऐसा नहीं है कि मेरे को रिलेशन एंड फंक्शन नहीं आता है मैं चाहूं तो वो भी स्टार्ट कर सकता था बट पूरा एनालाइज़ किया गया सारी फीडबैक्स इकट्ठी की गई बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर्स से बात की गई हम हमारा एक्सपीरियंस लिया गया और जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस लिया गया तो सबने कलेक्टिवली एक ही बात बोली कि पहला चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ाते हैं फिर मैट्रिक्स पढ़ाते हैं बल्कि आप अगर एन में जाओगे एन को देखोगे तो उसमें पहला मैट्रिक्स है फिर डिटर्मिनेंट है तो सर आप मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दो वो भी इंडिपेंडेंट है नहीं जी मैट्रिक्स नाम का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी जगह एड ज्वाइंट निकालते वक्त इनवर्स निकालते वक्त डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते वक्त बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट का यूज होता है तो वो डिटर्मिनेंट का यूज तभी आप कर पाओगे जब आपको चैप्टर डिटर्मिनेंट आता होगा तो ये चैप्टर क्या है इंडिपेंडेंट है आसान है और इंडिपेंडेंट आसान के साथ एक बहुत जोरदार बात ठीक है ये क्लास ट्वेल्थ का पिछले कुछ सालों से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो ये तो बता दो क्योंकि हमारे पास अब की बात तीन तलवारें हैं जेई मेंस जेई एडवांस और बोर्ड्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा मोस्ट लगाया ना तो उसमें तीनों आ गए दिस इज फ्रॉम ऑल थ्री पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया बोर्ड वाले भी सवाल पूछेंगे फॉर ऑल थ्री क्या मेरी बात समझ गए फॉर ऑल थ्री बोर्ड वाले भी इसमें से सवाल पूछेंगे मीन्स वाले भी बहुत पूछते हैं एडवांस वालों का तो भाई साहब उठा के देखो फेवरेट है समझेगी नहीं समझे क्या मेरी बात समझ में आई इज दी टू एवरी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिपेंडेंट इजी ठीक है आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि जे मेंस में जे एडवांस में वन क्वेश्चन इज फॉर श्योर वेरी इंपॉर्टेंट इट इज ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट इट इज एक दो तीन चार पांच क्या मेरी बात समझ में आती है चलिए जी ठीक है इंडिपेंडेंट थ्योरी है क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं गणित की बातें जनरल बातें तो चलती रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस बैच ज वेरी इंपॉर्टेंट मेन्स में भी एडवांस में भी सवाल आपको हंड्रेड परसेंट दिखाई देगा सवाल स्टार्ट करने की तरीका या सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी है वो बताते हैं फिर बीच बीच में सवालों के थ्रू भी समझेंगे मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नेक्स्ट इज स्टार्ट करते हैं वट इज डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट क्या है ठीक है देखो अगर मैं इसको फिजिकल वर्ड से कनेक्ट करके बताऊं तो कोई फिनोमिना हुआ उस फिनोमिना को स्टडी करने के लिए थ्योरी बनाते हैं थ्योरी सिर्फ अकेली नहीं बनती थ्योरी में इक्वेश बनती है इक्वेशन बनती है लीनियर इक्वेशन कई बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है क्वालिटी इक्वेशन भी बनती है बट हाँ एक पोर्शन में लीनियर इक्वेश भी बनती है उन लीनियर इक्वेश का जो जवाब आता है ना उस जवाब को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिटर्मिनेंट था जब इसकी खोज हुई मैं एकदम कहानी पर चला गया हूं पीछे समझ में आया जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने क्या किया किसी चीज को होते हुए देखा उसको पेपर पे लेके आए तो थ्योरी बनी थ्योरी उसको स्टडी आगे प्रोसीड करने के लिए इक्वेशंस बनी उन इक्वेशंस में से कुछ लीनियर इक्वेशंस थी उन लीनियर इक्वेशंस का जवाब जब देखा गया तो वो जवाब जिस फॉर्म में आ रहा था उस फॉर्म को सरल भाषा में सही से रिप्रेजेंट करने का तरीका एक खोजा गया दैट इज डिटर्मिनेंट बेसिकली जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो, तो दिस इज ए मैन मेड थिंग जैसे डिटर्मिनेंट है ये क्या है साइंटिस्ट मतलब मैन मेड थिंग है दिस इज नॉट ए नेचुरल थिंग मैन मेड थिंग इज यूज टू स्टडी भगवान मेड थिंग समझ में आएगी नहीं समझ में तो हम वहां नहीं जाते हैं बट वट इज डिटर्मिनेंट ये एक वैल्यू को या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का कोई आपका वैल्यू आया उस वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है तो क्या लिखा जाएगा भाई दिस इज वट इज डिटर्मिनेंट अगर कोई पूछे तो या शॉर्टकट या वे टू एक्सप्रेस वे या मेथड या बोल दो वे टू एक्सप्रेस वे टू एक्सप्रेस वे टू एक्सप्रेस सामने देखना भाई वे टू एक्सप्रेस एनी एक्सप्रेशन वे टू एक्सप्रेस एनी एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू किसी वैल्यू को और एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है आप सभी ने कहीं ना कहीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है क्या मैं सही बोल रहा हूं अगर मैं सही बोल रहा हूं तो लिखकर भेजो यस yes, सर अगर सही बोल रहा हूं तो तुमने डिटर्मिनेंट का यूज किया था आई जे के टू वन थ्री वन टू थ्री है ना दो वेक्टर्स का क्रॉस निकाल दिया तो वो आपने डिटर्मिनेंट ही किया था वो इसका एक यूज था अब हम डिटर्मिनेंट का पूरा एकदम बोलते हैं कच्चा चिट्ठा पूरी उसकी कुंडली पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है डिटर्मिनेंट इसकी हम बात करेंगे ठीक है तो क्या है सर वे टू एक्सप्रेस वे टू एक्सप्रेस एनी एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू को और इनफैक्ट नॉट ओनली वे शॉर्टेस्ट वे या शॉर्ट वे टू एक्सप्रेस ठीक है जी ठीक है मैंने क्या बोला यह चैप्टर इंडिपेंडेंट क्यों है क्योंकि अब आप एक नई गणित पढ़ रहे हैं जैसे आप वेक्टर पढ़ते हो दो वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका रिजल्टेंट निकालने का तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो उसमें भी उसको जोड़ने का तरीका घटाने का तरीका वैसे ही हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं एकदम ब्लैंक होकर आप कहानी की तरह सुनिए कि सर ये होता क्या है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है क्या इसकी वैल्यू होती है क्या क्या हम कर सकते हैं सारी बातें फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दो ऐसी लंबी लाइन लगा दो हेलो हेलो यस जरें एकदम स्क्रीन पर ठीक है हाँ ना दो एक लंबी लाइन लगा दो इस दो लंबी लाइन में आप क्या करो चार जगह बनाओ एक दो तीन चार इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस टू ऑफ ऑर्डर टू ऑर्डर टू का क्या मतलब है सुनते जाना आराम आराम से थोड़ी देर में सारी चीजें समझ में आएगी ये जो हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाई देती है इसको हम बोलते हैं रो दिस इज रो वन ये वाली क्या है दिस इज रो टू ये क्या है रो वन ये क्या है रो रोटू ठीक है और जो वर्टिकल में आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो वर्टिकल में दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉलम दिस इज कॉलम वन एंड दिस इज कॉलम टू तो मैंने पूछा भाई साहब ये जो आपने चार एलिमेंट ऐसे जगह बना दी है सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा ये है क्या अरे मैंने कहा अभी समझाने दे तो सही फिर तो समझ में आएगा नई चीज सीख रहे हैं एक समझ समझा तो सर ये चार जगह आपने बना दी दिस इज रो वन मतलब ये वाला जो है ये पूरी रो वन काउंट होगी ये रो टू होरिजोटल वाली रो वर्टिकल वाली कॉलम सर बहुत बढ़िया ठीक है मैंने कहा कितना कितनी रो और कितनी कॉलम है अब मेरे साथ साथ आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा मतलब रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कीजिएगा सर इसमें दो रो और दो कॉलम है दिख रहा है इसीलिए हमने बोला ऑर्डर टू ठीक है डिटर्मिनेंट में हमेशा डिटर्मिनेंट में आप हमेशा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर पाएंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमेशा क्या पाएंगे बराबर पाएंगे हमेशा बराबर होते हैं ठीक है अब इसमें बोलने को आप यह भी बोल सकते हो कि सर इसमें दो रो है और दो कॉलम है ठीक है हा है ना दो रो है और दो कॉलम है बट सर हमें साथ में एडिशनली पता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होंगे तो आप किसी भी एक का अमाउंट बता दो मैं बोलूंगी एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनाओ जिसमें तीन रो हो तो बाय डिफॉल्ट हमें ये समझ में आ गया अपने आप हमारे दिमाग तक सिग्नल गया कि भाई साहब अगर तीन रो है तो तीन ही कॉलम होंगी इसीलिए जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो इन दोनों में ये मल्टीप्लीकेशन में मत लिख देना भाई टू इंटू टू सर फोर अरे नहीं भाई रुक जा रोक जाू क्रॉस टू मतलब कि दो रो ये रिप्रेजेंट करता है रो के पहले वाली चीज हमेशा रो को रो को रिप्रेजेंट करेगी कितनी है और दूसरे वाली चीज हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी बोलने का दूसरा हमेशा कॉलम एक आगे का प्रोजेक्शन दे देता हूं कि जब हम जाएंगे मेट्रिस में तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होती वो एक अलग कहानी है वो नेक्स्ट चैप्टर है वो बाद में डिस्कस करेंगे तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर टू ये दिखाता है कि इसमें दो रो और दो कॉलम है मैंने कहा अब एड्रेस बताना स्टार्ट करो जैसे ये वाला जो है इसको हम लिखते हैं ए वन वन ठीक है जैसे किसी भी ये जो कहलाएगा जो यहां पर आप नंबर लिखोगे ये इसका एलिमेंट कहलाएगा समझ में आएगा नहीं समझ में ये क्या कहलाएगा ये इसका एलिमेंट कहलाएगा अब सर इसका आपने ऐसे कैसे लिखा तो ये लिखा जाता है ए आई जे आई रिप्रेजेंट रो का नंबर रो का नंबर और जे रिप्रेजेंट कॉलम का नंबर ये इनका एड्रेस है ठीक है हमेशा पहले रो फिर कॉलम आरसीबी मैंने क्यों बोला आरसीबी ताकि आपको कभी भूल जाओ कि पहले रो आता है या कॉलम आता है तो आरसीबी आपको मदद करेगा याद करने में हाँ या ना तो सर पहले वाला एड्रेस क्या है सर ये वाला जो अमाउंट है ये वाली जो जगह है इसमें रो भी वन है और कॉलम भी वन है इसलिए ए वन वन है फिर मैंने कहा यार ये कौन सी जगह है ए वन टू बोलू कि ए टू वन बोलू इस जगह को आंसर करिए कमेंट सेक्शन में <laughs> सर इसको ए टू वन बोल दो मैं क्या क्यों बोले सर दूसरा कॉलम पहली रो अरे नहीं भाई रो पहले कॉलम बाद में तो दिस इज ए टू वन सॉरी एन टू दिस इज ए वन टू पहली रो दूसरा कॉलम ये कौन सा है सर दूसरी रो पहला कॉलम ये वाली जगह कौन सी है दूसरी रो पहला कॉलम तो बोलो तो दिस इज ए टू वन और सर ये वाला सर ये दूसरी रो दूसरा कॉलम है हाँ ना तो ये हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट बन गया टू क्रॉस टू का चलो सर डिटर्मिनेंट बन गया आपने रिप्रेजेंट करना भी सिखाया सारी बातें समझ में आ गई बट वट डज इट रिप्रेजेंट किस को करता है मैंने कहा वैल्यू को कैसे सर अगर कभी भी आपको टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट दिखाई दे जैसे आपने यहां लिख दिया ए बी और यहां लिख दिया सी डी ठीक है अभी ये यहां पर इनकी जगह नंबर्स आ जाएंगे घबराइएगा बिल्कुल मत ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो वैल्यू तक तो हम कैसे पहुंचेंगे जो मैंने आपको अभी बताया ना दिस इज द शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन और वैल्यू तो कहीं पर पुराने साइंटिस्ट को ऐसा लिखना पसंद नहीं आया तो उन्होंने ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो वट इज डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेट इज ए वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका सर ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज ऑफ ऑर्डर क्रॉस और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है पहले इन वालों को, इन वालों वालों को को माइनस कुछ नादान बालक ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि सर पहले ए डी को ही क्यों मल्टीप्लाई किया बीसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते थे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी चीज को डिफाइन जैसे किया गया है उसकी डेफिनेशन पे जा रहे हैं मतलब उसको डेफिनेशन को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं दिस इज समथिंग लाइक कि सर एक कार के तीन चार टायर ही क्यों होते हैं तीन टायर वाले को तो ऑटो बोलते हैं हम कार को ऑटो क्यों नहीं बोलते ऑटो को क्या, कार क्यों नहीं बोलते मतलब आप क्या कर रहे हो जिन लोगों ने तो मतलब आपका सवाल एकदम जायज है बट आपको पैदा फिर बहुत पहले होना चाहिए था समझ में जब ये सब चीजें चल रही थी तब आपको पैदा होना चाहिए अब ये डिफाइन हो चुकी है ठीक है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसी होती है

बोला कि दिस इज टू थ्री माइनस वन फोर वैल्यू बताइए सर इन दोनों एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है that is 2 into minus 1. इनको बाद में दिस इज थ्री इंटू फोर और बीच में माइनस साइन ये कितना आ गया सर यह माइनस दो माइनस बारह सर दिस इज माइनस फोर्टीन तो ये माइनस फोर्टीन को लिखने का तरीका और जिस तरीके से लिखा गया उसकी वैल्यू माइनस फोर्टीन है आई होप यू गॉट दिस सर नीट वाले देख सकते हैं क्या बेटा नीट वालों का अलग बैच लॉन्च हुआ है लक्ष्य नीट बोले आगे पूरा तो पढ़ लिया कर ना आई होप यू गॉट दिस और नो इज दिस क्लियर तो दो क्रॉस दो वाला डिटर्मिनें सर एक सेकेंड काउंटिंग दो से शुरू होती है का? एक क्रॉस एक वाला सर आप हमारे से बिडो मत हमारे पास बहुत डाउट है मैंने कहा एक क्रॉस एक वाला मतलब कि एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो जैसे मान लो ये लिखा इसका ऑर्डर वन क्रॉस वन है दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन क्रॉस वन तो ये कुछ नहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी यही नंबर खुद यही नंबर खुद इसकी वैल्यू है क्योंकि आप ये तो समझते हो ना कि एक क्रॉस एक वाले में एक ही एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट खुद वो नंबर खुद ही उसकी वैल्यू कहलाएगी अब कुछ लोग इतने ज्यादा हैं या फिर वो क्लास इलेवेंथ की रिप्रेजेंटेशन इतने फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहते हैं सर इसमें माइनस थ्री पे मॉड लगा इसका आंसर तो प्लस थ्री होना चाहिए तो बेटा गणित में मैथमेटिक्स में अलग इसकी एक लैंग्वेज होती है ठीक है हाँ ना और उस लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स का मतलब टाइम टू टाइम बदलता रहता है ना जैसे तू अकेला है है ना मम्मी तुझे बेटा बुलाती है कल को तेरी शादी हो जाएगी तो वो जो आएगी वो भी तुझे बेटा ही बुलाएगी का? नहीं तो मतलब सर सिंबल के अलग अलग जगह मतलब बदलते जाते हैं समझ में आएंगे नहीं समझ में आया एक सिंबल के अलग अलग जगह मतलब बदलते जाते हैं नो डाउट कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो दिस इज नथिंग बट मॉड ज्यादा नहीं जाता हूं इसमें वरना कुछ लोग तो ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे तो माइनस थ्री का मॉड थ्री होता है बट अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट तो सर वन क्रॉस वन वाला डिटर्मिनेंट इज माइनस थ्री है ना ठीक है और वन क्रॉस वन वाला डिटर्मिनेंट आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं बिकॉज इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन करनी एक बार बताओ ये चीज इंट्रोड्यूस की गई थी आपके काम को आसान करने के लिए तो एक बार बता माइनस थ्री लिखना आसान है कि माइनस थ्री पर ये दो डंडे लगाना आसान है सर इसमें तो हमारा काम बढ़ गया तो यही रो ठीक है वन क्रॉस वन वाला आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा बट फिर भी तुम्हारे मन में डाउट आया तो मैंने बता दिया सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेंट है कि मॉड है मैंने कहा सवाल में लिख के बताएगा कि भाई साहब ये जो दो डंडे लगाए इसका मतलब अब बार मॉड्युलस फंक्शन है अब बार ये जो दो डंडे लगाए इसका मतलब डिटर्मिनेंट है सारी चिंताएं त्याग दीजिए सीखने का एटीट्यूड रखिए प्लीज ठीक है तो वन क्रॉस वन का कुछ नहीं होता है आई होप यू आर दिस टू क्रॉस टू वाला आपको समझ में आया टू क्रॉस टू की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझ में आया नाउ वी शुड मूव टू थ्री क्रॉस थ्री तैयार है हा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री हेलो हेलो ओ भाई आ जाओ आज तो नहा धो के बैठे हो एकदम है हाँ ना हाँ सर पहला दिन है मन में उमंग है तरंग है मैंगा बहुत बढ़िया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री सही है कितने सर वापस ये दो लंबी लाइनें थ्री क्रॉस थ्री क्या रिप्रेजेंट करता है सर तीन रो तीन रो रो होंगी कॉलम होंगे बहुत बढ़िया तो यहां जो लिखूंगा दिस इज योर शॉर्ट में लिख रहा हूं दिस इज योर रो टू दिस इज योर रो थ्री यहां जो लिखूंगा दिस इज कॉलम वन दिस इज कॉलम टू दिस इज कॉलम थ्री ठीक है इसको आप चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री बोलो या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री बोल दो एक ही बात है कितनी जगह होगी बेटा इसमें एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन थी। ठीक है जी स्टार्ट करते हैं ये कौन है भाई वन क्रॉस टू वाला <laughs> बेटा नहीं खानी चाहिए हाँ बेटा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई आविष्कार किया ही नहीं डिटर्मिनेंट में एक रो और दो कॉलम हो वो मैट्रिक्स में होती है डिटर्मिनेंट की हम जब जब बात करेंगे तो बेटा उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होंगे ठीक है अब मुझे फटाफट एड्रेस बताना स्टार्ट कीजिए प्लीज जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये यहां पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा उसका रो का नंबर और कॉलम का नंबर बताइए प्लीज इसके रो का नंबर और कॉलम का नंबर रो का नंबर पहले कॉलम का बाद में रो पहले कॉलम बाद में सर रो टू है कॉलम थ्री है दिस इज मैं पूछू सर ये वाला सर ये वाला एलिमेंट हो जाएगा ए थ्री वन इज दिस क्लियर रो थर्ड कॉलम वन रो थ्री कॉलम वन ठीक है हा ना जैसे ये वाला सर ये वाला कौन सा एलिमेंट हो जाएगा सर इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन टू पहले रो फिर कॉलम ठीक है सर बात आती है चलो ये रिप्रेजेंट हमें समझ में आ गया जैसा कि आपने बताया था कि एक डिटरमिनेंट किसी वैल्यू या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे इसकी वैल्यू निकालने का तरीका देखिए जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त आईजे के और सारा जमा देते हो उसके बाद में जैसे उसको ओपन करते हो वैसे ही डिटर्मिनेंट ओपन होता है अब वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो क्यों आई को फैक्टर्स और माइनस क्या होते हैं उस पर चलेंगे बट पहले आप एक थ्री क्रॉस थ्री की वैल्यू निकालना सीखें क्या करना है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट दिया टू माइनस वन थ्री फोर जीरो टू वन फाइव माइनस थ्री मैंने बोला ये एक थ्री क्रॉस थ्री या एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर थ्री इसकी मुझे वैल्यू बताओ ठीक है

टू का पूरा रो और टू का पूरा कॉलम उड़ा दो ठीक है तो प्लस टू किससे मल्टीप्लाई होगा प्लस टू किससे मल्टीप्लाई होगा पूरा रो और पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में ये जो चार लोग बचे जो एक छोटा टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट बना रहे हैं इनका डिटर्मिनेंट बना दो ना? है ना ठीक है समझ में वापिस देखो क्या करना है प्लस माइनस प्लस लगाना है रो वन के ऊपर प्लस माइनस प्लस बाकी सारे मन के जितने भी डाउट है सारे शांत कर लीजिए पहला रो पहला कॉलम उड़ाने के बाद में ये जो छोटा बचा इसका टू क्रॉस टू का एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए और मैं हाल से से टू क्रॉस टू का आपको सॉल्व करना आता is, है है नेक्स्ट इज ये ये माइनस माइनस साइन जो इस मल्टीप्लाई करो तो माइनस ऑफ माइनस वन अब माइनस वन की पूरी रो और माइनस वन का पूरा कॉलम उड़ा दीजिए तो माइनस वन के पूरा रो और माइनस वन का पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में ये चार लोग फिर बच रहे हैं दैट इज फोर टू माइन थ्री एंड फोर टू वन एंड माइनस थ्री ठीक है जी अब बात आती है सर फिर ये उड़ा दिया आपने अब आ जाइए इस थ्री इसके साथ साथ लिखते जाओ अब प्लस थ्री इसके साथ क्या आएगा सर इसका भी पूरा रो और पूरा कॉलम उड़ा दो ये जो चार लोग बचे इनको इसी फॉर्मेट में लिख लाइए दैट इज फोर जीरो वन एंड फाइव ठीक है डिटर्मिनेंट चैप्टर आसान है बट इसमें प्लस माइनस की गलतियां बहुत होती हैं जी डिटर्मिनेंट जो है, वो बहुत है, बट इसमेंटी ऐसे बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे चलिए जी बताना ये कितना हो जाएगा सर प्लस टू को हम किससे मल्टीप्लाई करें यह हमें सॉल्व करना आता है पहले इनको मल्टीप्लाई करना है दैट इज जीरो फिर माइनस आइन इनको मल्टीप्लाई करना है सर दैट इज टेन फिर सर ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बारह और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज टू बट ये माइनस के बाद में लिखा जाएगा और अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव सर ये आएगा बीस और ये आ जाएगा सर माइनस जीरो चलिए स्टार्ट करें सर ये क्या लिखा हुआ है माइनस टू सॉरी प्लस टू इंटू माइनस टेन दैट इज माइनस ट्वेंटी यह माइनस फोर्टीन लिखा हुआ है सर और ये लिखा हुआ है सर प्लस सिक्सटी ध्यान से देखो सर ये लिखा हुआ है आपके पास में माइनस थर्टी फोर और प्लस 60 है ना तो ये हो गया सर आपके पास में प्लस 26 इज द करेक्ट आंसर आया ना प्लस 26 इज द करेक्ट आंसर तो आपको एक थ्री क्रॉस थ्री के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आई की नहीं आई ईमानदारी से बताना आपको एक थ्री क्रॉस थ्री के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी आई की नहीं आई ईमानदारी से बताइएगा प्लीज ये 99 प्लस 25 <laughs> भाई 25 कहां से आ गया यार तो ये छब्बीस लिखने का एक तरीका है उड़ी बाबा सर ये तो लग रहा है किसी ने जानबूझकर हमसे बदला लेने की कोशिश की गई है जब उसको छब्बीस ही लिखना था तो ऐसे लिख देता ऐसा क्यों लिखना है अरे भाई यूज है इसका कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हल करने में यह आसान पड़ेगा तुम्हें वो लिखा हुआ आसान लगेगा अभी तुम्हें ये लग रहा है ना कि छब्बीस ही लिखना था ट्वेंटी सिक्स ही लिखना था तो ऐसे लिख देते ऐसे लिखने की कहां जरूरत थी मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद में सिनेरियो चेंज होने दो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने दो फिर तुम्हें ये लिखा हुआ आसान लगेगा ये मुश्किल लगने लग जाएगा उसका एक्सपेंडेड वर्जन मुश्किल लगेगा थोड़ी देर रुक जाओ ठीक है आई होप यू गॉट कि आपको थ्री क्रॉस वैल्यू कैसे निकालते हैं ठीक है? थोड़ा सा और से से बात बात कर कर लेता लेता ना? नोट करने वाली अगली जो बात है चलो इसमें आते हैं फटाफट यहां पे एक साथ लिखे हुए नोट करने वाली जो अगली बातें फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू एवरीवन क्या कि एक डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रूस और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती है तो आंसर इज सर यस ठीक है ऑफ ऑर्डर ठीक है अगर आप ऑर्डर एन क्रॉस एन लिखते हो या फिर मैं कभी भी ये ट्रिपल मतलब तीन बार बराबर का निशान लगाऊं तो ये मत समझ कि मास्टर बेचारा दिख नहीं रहा इसको कि दो लगा दिए एक और चिपका दिया नीचे नहीं दिस इज द सिंबल ऑफ सेम कि चाहे आप ऑर्डर एन क्रॉस एन लिखो या फिर आप एन लिखो ठीक है और इसका मतलब भी समझ में आता है कि अगर मैं कभी लिख रहा हूं कि डिटर्मिनंट ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन दैट मीनस कि उसमें नंबर ऑफ रोज भी एन है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एन है बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे टू क्रॉस टू का डिटर्मिनंट ये आपको दिख रहा जो अभी हम समझ के आए थे थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट ये आपको दिख रहा है हाँ ना ठीक है अब इनमें एक डायगेनल डिफाइन होती है समझ इन में इनमें क्या डिफाइन होती है डायगनल ये वाले जो एलिमेंट जहां बैठे हैं ना दिस इज कॉल्ड एज डायगेल

अगर डायगनल एलिमेंट बोलना चाहते हैं डायगनल बोल दो या फिर प्रिंसिपल डायगनल बोल दो एक ही बात है प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट अगर हम इसको बोलना चाहते हैं तो इसमें आई और जे की वैल्यू बराबर होनी चाहिए तभी हम इसको बोलेंगे ठीक है जैसे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ए है i और j की वैल्यू रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम है इसमें भी रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम है तो ये इस प्रकार के एलिमेंट जहां बैठे हैं वही डायगनल बनाते हैं इसमें रो और कॉलम का नंबर सेम नहीं है ठीक है तो डायगेल एलिमेंट जहां बैठे हो उस पूरे को हम डायगेल बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगेल बोलते हैं बोथ आर सेम आज के बाद कभी डायगेनल बोलू या प्रिंसिपल डायगेल बोलू तो आप समझ जाना कि इसी की ही बात हो रही है इसकी तो बात कभी होती नहीं है ध्यान से देखिए इसमें भी ए आई जे बराबर है इज दिस क्लियर टू एवरी वन क्लियर है, है ना ये वाला ये वाले की तो बात कभी होती ही नहीं है ये डायगेल का पार्ट नहीं है बिकॉज द थ्योरी इज दिस आई और जे कॉलम और रो का नंबर बराबर होना चाहिए ठीक है भाई चलिए ए ऑफ ऑर्डर इज द नंबर हाँ मैं बता चुका हूं ऑब्वियसली कि अगर आप कभी ऐसा लिखते हो कि टू और ये एक वन क्रॉस वन का डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू भी टू ही e हो जाएगी ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन जैसे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट बताया ऑर्डर की तो बात ही मत करो ये कभी देखने को नहीं मिलता सिंस वी आर डिस्कसिंग फॉर द सेक ऑफ मैंने बता दिया ऑर्डर so <laughs> तो है सर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे मैंने कहा, मैंने कहा, सुनना। अगर तुम्हें फोर क्रॉस फोर पे जाना है कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं। फटाफट मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा प्लीज कितनी रोज कितने कॉलम सर चार रोज चार कॉलम लियो भैया एक दो तीन चार पहले रो में चार एलिमेंट्स क्योंकि कॉलम भी चार है ये लो आए ना समझ में आएगी नहीं समझ में तो सर रो वन रो टू रो थ्री रो फोर कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर मैंने कहा इसका एड्रेस बताओ यहां कौन बैठा होगा सर ए वन वन यहां कौन बैठा होगा सर तीसरी रो दूसरा कॉलम सर यहां बैठा होगा ए थ्री टू सर इसका एड्रेस बताइए यहां कौन बैठा होगा सर चौथी रो तीसरा कॉलम तो ए फोर थ्री यहां कौन बैठा होगा सर यहां बैठा होगा दूसरी रो चौथा कॉलम सेकेंड रो फोर्थ कॉलम तो क्या लिखोगे ए टू फोर है ना तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ फोर क्रॉस फोर सर हम ये नहीं पूछ रहे कि फोर क्रॉस फोर डिटर्मिनेंट क्या होता है हम ये पूछ रहे हैं कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने कहा सेम अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम टू माइनस वन जीरो थ्री फोर वन टू जीरो माइनस वन वन थ्री वन फाइव या फिर लेट से जीरो अब जीरो वन 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 जैसे ये वाला है मैंने पूछा इस फोर क्रॉस फोर की डिटर्मिनेट वैल्यू बताइए तो कहानी सिंपल है जैसा आपने थ्री क्रॉस थ्री में किया था प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है प्लस को टू से मल्टीप्लाई करो तो ये लो सर प्लस टू इसकी पूरी रो और इसका पूरा कॉलम उड़ा दो तो इसकी पूरी रो और इसका पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में सर अब की बात चार एलिमेंट्स नहीं बच रहे नौ एलिमेंट्स बच रहे हैं तो मैंने कहा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अब की बार यहां ये बचेगा दिस इज वन टू जीरो वन थ्री वन वन टू जीरो वन थ्री वन 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 बहुत बढ़िया अब सर आप एक काम कीजिए स्टाइल यस अब आप एक काम करो माइनस को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो इसकी पूरी रो इसका पूरा कॉलम उड़ा दो तो सर इसकी पूरा कॉलम और रो उड़ाने के बाद में ये बच रहे हैं तो इसका थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट फोर टू जीरो माइनस वन थ्री वन जीरो वन वन आया ना क्लियर है प्लस माइनस साइन कहां से आते हैं उसका लॉजिक अभी दिया जाएगा बट हां पहली रो में सबसे पहले प्लस माइनस हर एक एलिमेंट में प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है ठीक है यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस ये कहां से आता है वो अभी आता हूं उस पे बट पहले आप देखो ध्यान से अब सर प्लस के बाद में जीरो अब जीरो के साथ तो चाहे कुछ भी लिख लो फर्क तो पड़ता नहीं बट फिर भी देख लो क्या लिखोगे रो और कॉलम उड़ा दिया सर ये आ जाएगा 410 410 -11 1, 1 और 011 है ना नेक्स्ट लास्ट बचा ये तो बहुत भारी काम हो जाएगा तो मैंने कहा वही तो माइनस को थ्री से मल्टीप्लाई करो और इसका पूरा रो और इसका पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में क्या बच रहा है सर? थ्री और यहां पे बच रहा है जीरो वन वन अब इसके बाद में कहानी अब तुम्हारे हाथ में है हा दिस इज ऑल्सो विलुप्त परिजाति मतलब नहीं दिखेगा कभी भी बट फिर भी तुमने पूछा तो मैंने बता दिया कभी भी आपके सामने फोर क्रॉस फोर का नहीं आएगा यू हैव टू या फिर यू नीड टू डील विद ओनली टू क्रॉस टू एंड थ्री क्रॉस थ्री क्या ये बात क्लियर है अब सर इनकी वैल्यू मैंने कहा निकालो यही तो दिक्कत है अब इस थ्री क्रॉस थ्री की वैल्यू निकालो इसकी निकालो उसकी निकालो और इसकी वैल्यू निकालो उन वैल्यूज को इनसे मल्टीप्लाई करो और सबको जोड़ दीजिए इसका जो आंसर आएगा वो आप खुद देखेंगे ठीक है हा है ना आंसर जो आएगा वो आप चैट सेक्शन में डिस्कस करेंगे ठीक है जी अब ये पूरा चाहो तो मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं बट उसमें कोई फायदा नहीं है आपको खुद सॉल्व करना आना चाहिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है हाँ, चैट में डिस्कस करना है कि भाई साहब वो जो फोर क्रॉस फोर का डिटर्मिनेंसने लिख दिया था जल्द हमारे डिमांड पर उसका आंसर क्या आ रहा है वो बताओ बट यस क्रॉस को ऐसे सॉल्व करते हैं क्लियर है सर फाइव क्रॉस फाइव मैं यू नो द ड्रिल पांच रोज पांच कॉलम पहली एलिमेंट को प्लस साइन फिर माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता जाएगा पहले वाले को पूरी रो पूरा कॉलम उड़ाकर फिर फोर क्रॉस फोर का डिटर्मिनेंट बचेगा उस फोर क्रॉस फोर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी है मतलब सर पांच क्रॉस पांच तक तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं सर नजर आ रहे हैं मैंने कहा हां समझे तो ये वाली चीज भी आपके सामने कभी नहीं आएगी बट फिर भी आपको यह आना चाहिए फोर्टी ओ भाई जनता बहुत तैयार है हमारी तो जनता बोल रही है कि सर इसका आंसर फोर्टी आ रहा है गजब सैल्यूट है तुमको फिर चलो फोर क्रॉस फोर वाला काम समझ में आया मुझे एक बात बताओ वन क्रॉस वन में एक एलिमेंट है टू क्रॉस टू में चार एलिमेंट है क्रॉस क्रॉस में नौ एलिमेंट्स हैं, आप अभी देख के आए हो भाई साहब इसमें सोलह एलिमेंट्स हैं, एन क्रॉस एन में कितने एलिमेंट्स होंगे सर दिस इज नथिंग बट एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतनी होंगे ना क्योंकि इसमें एन रोज होंगी और एन कॉलम होंगे हर एक रो में एन एलिमेंट्स टोटल एन रोज है भेजिएगा या फिर सी एल आर लिखकर भेजिए और प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट किसको बोलते हैं और डायगनल किसको बनाई जाती है वो हमें पता है चलिए जी ज्ञान बहुत हुआ अब हम बात कर लेते थोड़ी सवालों की चलिए पोल दिया जाए पोल का फीचर वो पूछ रहे ये जो डिटर्मिनेंट है ये किससे इंडिपेंडेंट है सिंगल करेक्ट सवाल है आप मुझे बताइएगा ये कहां से आ गया भाई सर आई एम योर बिग फैन यस थैंक यू सो मच आई लव यू टू आ जाइए थर्टी सेकंड का तो नहीं फोर्टी फाइव भी नहीं नए नए हो सिक्स सेकेंड ठीक रहेगा चलो भाई वो पूछ रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनमें से किससे इंडिपेंडेंट है जल्दी से बता दो मतलब आपको ये पूरा सॉल्व करना है यस ओपन दिस सॉल्व कीजिए ट्राई टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट सवाल समझा देता हूं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप लिखोगे तो वो वैल्यू जो आएगी उनमें से इनमें से कौन सा गायब होगा उसमें एक्स दिखेगा थीटा दिखेगा दिखेगा कि कि थीटा कौन सॉल्व कर ली अब देखो तुम्हें अभी आज ही सिखाया था सवाल नोट नहीं करना है सवाल देखते ही सवाल समझने के बाद में रफ कॉपी निकालकर आपको उस पर उसका सॉल्यूशन छापना है जितना तेजी से हो सके एंड तेजी मीन कि आप गलत जवाब दें क्या मेरी बात समझ में आती है सर हमने स्टार्ट किया देखना भाई प्लस माइनस प्लस एक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर इसकी वैल्यू लिख रहे हैं प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय पहला रो पहली कॉलम उड़ाया दैट इज माइनस एक्स वन वन एक्स फिर माइनस के बाद में साइन थीटा ठीक है हाँ ये जो साइन होता है ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा का पूरा रो और पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में क्या क्या बचा सर माइनस थीटा वन माइनस थीटा वन कॉस थीटा एक्स और लास्ट इज प्लस कॉस्ट थीटा फटाफट मुझे पता है तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया मुझसे आगे निकल गए हो पोल में आपको आंसर फिल करना है भाई पोल में आंसर फिल करना है सर अब यहां पे ये यह चार लोग बचेंगे तो ये पहला पहला है इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूं माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और कॉस्ट थीटा वन चलिए भैया सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर ये आ जाएगा प्लस एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस वन माइनस साइन थीटा के साथ क्या आने वाला है दोस्तों माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस्ट थीटा चलिए जी अब आ जाइए अगले सवाल पर सर प्लस कॉस्ट थीटा मतलब अगले डिटर्मिनेंट पर ये कितना आएगा सर माइनस साइन थीटा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और माइनस साइन एक बाई डिफॉल्ट आता है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस एक्स थीटा मैं फिर बोल रहा हूं डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते वक्त थोड़ा सा

और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस यहां ऑलरेडी प्लस है और ये और आएगा तो प्लस एक्स थीटा चलिए भाई ये और ये और एक दूसरे को काट पीट दे रहे हैं ध्यान से देखोगे तो इन दोनों टर्म्स में से मैं x कॉमन ले सकता हूं पीछे बचेगा सर साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्टा मेरे ख्याल से इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी कि साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर वन होता है बगल में पहली क्लास है तो मम्मी जी भी बैठी हैं वो बोल रहे हैं मैं भी देखता हूं कि देखती हूं कि क्या पढ़ाते हैं ये लोग तो उन्होंने बोल दिया बेटा इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे बचपन से याद है बोले वन होता है फाइनली वी आर लेफ्ट विद दोस्तों माइनस एक्स क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब को लिखने का तरीका ये है तो ये जो आपका आंसर आया दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब कि इसके जवाब में थीटा नहीं दिख रहा वो कट पिटा गया क्या मैं सही बोल रहा हूं चलिए भाई ये फिर से पोल रिजल्ट ठीक है चेक योर रिजल्ट एट एक सेकेंड और इसमें भी सिर्फ सत्तर परसेंट जनता का ही सही जवाब है सात परसेंट जनता तो वो बोल रही है एक्स ही नहीं आएगा इसमें चलो बहुत बढ़िया ऑप्शन सी बहुत अच्छा लगता है सर हमें <clears throat> ये कौन है भाई और ये कौन है नन ऑफ दीज तो बेटा तुक्का नहीं मारना है पोल में पोल में आपको सही जवाब देना है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आई होप यू गॉट दिस एक और सवाल सॉल्व करें क्या बोलते हो आया ना एक और सवाल सॉल्व किया जाए एक एसिडिक सवाल सॉल्व करें चलिए आ जाओ चलिए स्टार्ट हो जाइए बोर्ड लीडर बोर्ड दिखाएंगे ना बाद में लीडर बोर्ड दिखाएंगे घबराओ मत नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा आपके सामने सवाल समझिए पहले आपने पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैं आपको सवाल समझाऊंगा आई होप यू नो द ड्रिल क्या करना है सवाल देखते ही सर रफ कॉपी में इस सवाल का सॉल्यूशन लिखना है ये सवाल नोटबुक में उतारना नहीं है जमा जमा के लिखना नहीं है स्टेटमेंट कॉपी नहीं करनी है आंसर लिखना है सिंपल कहानी है ओ भाई नो पोल हाँ इसमें कोई पोल नहीं है इसमें कोई पोल नहीं है अबे तुम्हारे ये आंसर डी अब तक निकले जा रहे हैं क्या अब तो पोल ही खत्म हो गया किस कौन सा लेक्चर देख रहा है भाई ऐसे करो यार मैं फिर रोने लग जाऊंगा रोता हुआ बहुत गंदा लगता हूँ पोल नॉट कमिंग कोई बात नहीं कोई बात धीरे धीरे पोल भी तेरे से नाराजगी दूर कर लेगा वो भी तेरी जिंदगी में आई जाएगा टेंशन ना ले तो सब छोड़ के चले गए मुझे पोल तक नहीं आता मेरी जिंदगी में कोई बात नहीं अच्छा है सिंगल है स्ट्रांग है चलिए नाउ वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि जब हम इस डिटर्मिनेंट को सवाल समझने की कोशिश करना जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंड करने के बाद में ऐसा कुछ बनता है समझ सवाल क्या कि जब हम इसको ओपन कर लेंगे ओपन करने का तरीका आपको वही प्लस प्लस माइनस सिंपल सवाल कैसे अप्रोच करने के दो तरीके हैं स्टूडेंट ए ने क्या किया ज्यादा दिमाग नहीं लगाया ने बोला सर इसको ओपन करते हैं शुरू हो गए मेहनती टास्क सर यहां लगाया हमने प्लस माइनस प्लस ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई घटा घटा के और इससे मल्टीप्लाई करके हमने पूरा एकदम सर आप मानोगे नहीं रफ कॉपी हमारी एकदम <coughs> बहुत गंदी लग रही है मैंने कहा बहुत बढ़िया स्टूडेंट बी थोड़ा आलसी था स्टूडेंट ए ने तो ये करना स्टार्ट किया नो डाउट स्टूडेंट बी थोड़ा आलसी था सवाल देखती पहले सर सर्कने लगा बोले सर सच में मल्टीप्लाई करना है क्या आगल वागल तो नहीं हो गए बोले हमें तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई करने में मौत आती है आप ये तीन तीन चार चार पांच पांच टर्म्स मल्टीप्लाई करवा के जुड़वाओगे स्टूडेंट बी क्या था आलसी था और आलसी होने की वजह से उसने एक छोटा मेथड डेवलप किया समझ समझना जो आलसी लोग होते हैं वही एक बहुत जोरदार खोज करते हैं अगर आप आलसी हो तो कंग्रेचुलेशन आप बहुत अच्छे मेथड डेवलप कर सकते हो क्योंकि ये क्या है ये मेहनती था बोले सर मैं कर दूंगा टेंशन ना लो इसका भी जवाब आएगा इसका भी जवाब आएगा डिफरेंस देखना जरा स्टूडेंट बी ने क्या सोचा उसने बोला कि सर जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो सारी कहानी ऐसे लिखी होगी मैंने कहा मतलब इसका एक्सपेंशन यही है मैंने कहा इन सभी में ही x वाली टर्म आ रही है इन सभी में ही x वाली टर्म आ रही है इसमें x वाली टर्म नहीं आ रही तो मान लो मैं इसको ओपन करके लिखता हूं फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि x की पावर फोर के साथ कौन आ रहा है x की पावर थ्री के साथ कौन आ रहा है वो मल्टीप्लीकेशन में हम देख के बताएंगे ठीक है हा स्टूडेंट बी ने बोला सर क्यों ना हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दें मैंने कहा यार एक्स की वैल्यू जीरो की बोले सर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं ये वाली टर्म जीरो ये वाली टर्म जीरो ये वाली टर्म जीरो राइट साइड में बचेगा सिर्फ ई और लेफ्ट साइड में बचेगी सिर्फ ई की वैल्यू तो क्योंकि आपने बोला ये और ये और बराबर लिखे हुए हैं सेम लिखे हुए हैं तो ई इज ए कॉन्स्टेंट पार्ट कॉन्स्टेंट पार्ट निकालने के लिए हम पहले से भी जानते हैं किसी एक्सपेंशन में अगर आपको कॉन्स्टेंट पार्ट निकालना है तो यू कैन नोट इट डाउन जो लोग ये बात पहली बार सुन रहे हैं इफ इन एनी एक्सपेंशन

दिस इज फोर दिस इजन टन घट सर ये आ गया ई e के बराबर इज द वैल्यू वैल्यू ऑफ की value क्या है जल्दी से बताओ इज द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू क्या है सर ई e की वैल्यू इज डिटर्मिनेंट की वैल्यू और हम जानते हैं प्लस माइनस प्लस हमें लगाना होता है पहला रो पहला कॉलम उड़ा दो जीरो मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी हो सर फर्क नहीं पड़ता माइनस ऑफ माइनस वन ये जो इनके ऊपर जो निशान लिखे हैं ना इनको इनसे मल्टीप्लाई करना होता है समझ में आएंगे नहीं समझ में इसका पूरा कॉलम और इसकी पूरी रो उ पहला पहला लेक्चर है बेटा स्टार्टिंग है एक मूवमेंट ऐसा आएगा आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सीधा ही मन में कैलकुलेट कर पाओगे बट अभी स्टार्टिंग है तो आप ऐसा ही कीजिए पहली रो पहला कॉलम उड़ा कौन कौन बचा वन माइनस फोर क्योंकि ज्यादा तेजी के चक्कर में पता चला सीखा कुछ नहीं और भूल सारा गए लास्ट में आएगा सर प्लस थ्री और ये कितना आएगा सर वन जीरो माइनस थ्री फोर वन जीरो माइनस थ्री और फोर दिस इज द वैल्यू ऑफ ई चलिए सर यहां पे तो चाहे कुछ भी लिखा होता वैसे अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां जीरो माइनस फोर फोर और जीरो लिखा होता इस पूरे की वैल्यू होगी जीरो सर ये लिखा हुआ है प्लस वन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बारह और बीच में एक माइनस साइन ये लिखा हुआ है सर प्लस थ्री इसका इससे मल्टीप्लीकेशन दिस इज फोर और माइनस के बाद में सर जीरो सर ये आ रहा है प्लस बारह यह आ रहा है सर माइनस बारह ये आ रहा है माइनस बारह और ये आ रहा है प्लस बारह बराबर ई e. e की वैल्यू आ गई सर जीरो जीरो इज अवर एफ एन एफ जीरो क्या है हमारा एफ एन एफ है सर वट डू यू मीन बाय एफ एन एफ फुल एंड फाइनल पूरा नेट जवाब सर हमारा ये है ई e बराबर जीरो इज द करेक्ट आंसर जो लोग ट्वेंटी फोर बता रहे हैं ट्वेंटी थ्री बता रहे हैं एट बता रहे हैं फोर्टी एट बता रहे हैं तो आपने शायद मेरी एक स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया डिटर्मिनेंट चैप्टर आसान है रिपीटेड बातें इसमें होने वाली हैं, बट यस इसमें प्लस माइनस की गलतियां होती हैं आपने एक भी जगह अगर प्लस और माइनस में गड़बड़ की तो आपका ये जवाब पलट जाएगा एक्चुअल आंसर इज जीरो कितने लोगों का मैच कर गया जिस जिसका आंसर मैच कर गया तो मैच की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है एम डी एच जिस जिसका आंसर मैच कर गया एच लिखकर भेजिएगा प्लीज है हाँ ना सर हां हमारा आंसर जीरो है और जिन लोगों का आंसर जीरो नहीं आ रहा तो वो अपनी एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए प्लीज इसीलिए तो मैथ्स में खुद सॉल्व करके देखना होता है करिए 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 सबा शाबाश सभी लोग चलिए नाउ एक फोर क्रॉस फोर वाला डिटर्मिनेंट भी आपको दे दिया है ना एक फोर क्रॉस फोर वाला डिटर्मिनें भी मैं आपको दे रहा हूं ठीक है है ये क्रॉस का आई होप यू नो प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर उस पूरे को एक्सपेंड करके आपको ये शो करना है एंड दिस इज योर एच डब्ल्यू का सवाल एच डब्ल्यू समझ में आता है होमवर्क ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ये मैं होमवर्क वाली टर्मिनोलॉजी जब जब, जब यूज करूं तो ये सवाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आने के बाद में जब हम नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा ठीक है तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा होमवर्क दिया और कुछ नहीं है ठीक है भाई और भी चीजें पढ़नी थी वट इज माइनर एंड वट इज को फैक्टर्स करेंगे घबराओ मत ठीक है आया ना कुछ चैलेंजर टाइप के सवाल भी लेके आया था वो भी घबराने की जरूरत नहीं है सब होंगे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बट आज का जो हमारा लेक्चर था दैट इज फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा इसको हल्का रखा है कुछ मोटिवेशन कुछ गाइडेंस वाली बातें हमने की आपकी पुरानी गलतियां आपको समझाई कि ऐसा दोबारा मत कीजिएगा सारी बातें आपको समझ में आई होगी दैट इज वेरी 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 गुड ठीक है इसीलिए आज एक ही होमवर्क का सवाल दे रहा हूं धीरे 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 जब जब हम धीरे धीरे जैसे स्पीड पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर होमवर्क भी बढ़ रहा है और यहां पर भी नो no डीपीपी और इसके नीचे भी यहां पर भी होमवर्क छापना स्टार्ट कर दूंगा कि मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर वन से लेकर यहां वाले सवाल ये वाले सवाल वो वाले सवाल बट यस टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर रिलैक्स कीजिए प्लीज ठीक है अपनी एनर्जी कंजर्व कीजिए वन ठीक है हाँ और मैं इतना शरीफ नहीं हूं बोल देता हूं खुले में कि मैं क्लास इतने टाइम पे छोड़ दूं वैसे तो मैंने शायद चार मिनट एक्स्ट्रा ले लिया है बट मैं थोड़ा थोड़ा पांच दस मिनट एक्सटेंड करता रहता हूँ यार मुझे एक्सटेंशन की बीमारी है और दिवा दवाई नहीं रही ठीक है वो देख लेंगे वो अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग है वी शुड नॉट डिस्कस दिस इज ओपन वो अपने बीच की बात है वो कभी तुम मान जाना कभी मैं मान जाऊंगा ज्यादा तुम मान जाना कम मैं मान जाऊंगा ठीक है बहुत बढ़िया <laughs> सर एक सेकंड रिपीट करना ही आपने क्या बोला चलिए ठीक है एक नई स्टेटमेंट जो आपके सामने हर दिन लेके आऊंगा क्योंकि तो 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 होता है ना कई बार हम लिखी हुई चीजें पढ़ते एक बार पढ़ी नहीं समझ में आई दूसरी बार पढ़ी नहीं समझ में आई तीसरी बार पढ़ी नहीं समझ में आई सर दस महीने ग्यारह महीने जितने दिन आप हमें पढ़ाने वाले हो रोज ये स्टेटमेंट अगर आपको दिखेगी शायद समझ में आ जाएगी नहीं भी समझ में आएगी तो कम गम से कम दिमाग में तो रहेगी इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट इट इज ऑल अबाउट जर्नी सिर्फ इतने से नहीं होता कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो तो बाहर वाले लोग हैं सर हम जर्नी को एंजॉय करने हैं आज हमने बहुत सारी बातें सीखी कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे कुछ में फेल होंगे कुछ में ट्राई करेंगे कुछ में सक्सेसफुल होंगे यही तो सिखाना है समझे तो इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट ये ही में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है उसके बारे में कभी मत सोचो जर्नी के बारे में सोचो डेली बेसिस पे दिए गए कार्यों के बारे में सोचो एंजॉयमेंट के बारे में सोचो टीचर से इंटरेक्ट करने के बारे में सोचो कंटेंट के बारे में सोचो अपने आप के बारे में सोचो और सोचते सोचते परेशान मत होना हमेशा इसको ध्यान रखना है ठीक है थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ठीक है, really thank you, I hope आपको अच्छा लगा होगा घबराइए नहीं यही, मजा, यही एनर्जी यही कंटेंट और इंप्रूव करते हुए और अच्छे-अच्छे सवाल हम upcoming lectures में करेंगे, जिसको नहीं भी आता हो भारत के किसी एक कोने में एक बच्चा बैठा हो जिसको नहीं आता है तो उसको भी सिखा दिया कल और बातें करेंगे और इंप्रोवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी बाय बाय लव यू ऑल शुक्रिया ठीक है ठीक है थैंक यू सो मच ये आपका प्यार है इसको बरकरार रखिएगा बाकी सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दो ठीक है बाय बाय थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टेक ए ब्रेक आपकी नेक्स्ट क्लास छह बजे से स्टार्ट होने वाली है और वो क्लास भी यूट्यूब पे होगी घबराने की लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपकी बाकी सारी अपकमिंग क्लासेस जो है वो बेटा ऐप में होंगी बिल्कुल मत घबराइए कुछ सोच के किया जा रहा है कुछ समझ के किया जा रहा है आपको वो सब सोचना ही नहीं बाय 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 हाँ कल मेरी क्लास नहीं है कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी हम परसों मिलेंगे कोई नहीं आपा फेर मिला सवालों दा के टहर मिला बहुत सारे सवाल लेके मिलेंगे चलिए बाय बाय थैंक यू सो मच